आप अच्छा आपकी पहली जॉब क्या थी जब आप तीन फरवरी 2010 पाकिस्तान से निकले हैं और जाहिर बात है उस वक्त इकामा का कल्चर हुआ करता था एक इकामा आता है जिसकी बेसिस पर आप सऊदी अरेबिया जाते हैं वहाँ पर काम करते हैं पहली जॉब आपकी क्या थी है वहाँ पे जब मैं गया सऊदिया तो मेरे भाई वहाँ पे थे मेरे भाई बहुत टफ जॉब करते थे वो मकैनिक थे गाड़ियों के बड़ी गाड़ियों के वो पाए निकालना और मिस्त्री वो आज माशाल्लाह मेरे रेस्टोरेंट के जीएम है मेरे माशा असलमकुम ख़वातिनों हज़रा वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ़ द पॉडकास्ट बैक टू बेसिक्स एंड आज हमने एक ऐसे मेहमान को मद्द किया है जो कि सोशल मीडिया सेंसेशन हैं उनके बेतहाशा चाहने वाले हैं फेसबुक पर दो मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं टिकट पर वो एक सेलेब्रिटी हैं अगेन दो मिलियन से ऊपर उनके फॉलोअर्स हैं टिकट पर भी इंस्टाग्राम पर दो लाख से ऊपर और यूट्यूब पर वन लाख से ऊपर उनके सब्सक्राइबर्स हैं वो एंड डिवीजन के सबसे पहले वी लॉगर हैं ही इज ऑल्सो दी ऑफ ताहिर खान रेस्टोरेंट एंड ही इज नन अदर देन ताहिर खान हाउ आर यू यू सर थैंक सो मच मोहम्मद भाई थैंक यू uh, बहुत अच्छा लग रहा we है यहाँ पे सर थैंक यू फॉर बींग पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट एंड वी वार्मली वेलकम यू सर कैसी गुजर रही है जिंदगी आजकल कल बहुत अच्छी जा रही है और सर्दी भी है तो इंजॉय कर रहे हैं जो जितना दिन गुजर रहे हैं तो उसको इंजॉय कर रहे हैं हाँ आपकी जो खुराकें हैं छोटा गोश्त और पलाव वग़ैरह वो इस सर्दी की मेरे ख्याल में वन ऑफ दी बेस्ट आ... कुजीन मैं समझता हूँ कि है क्योंकि हम खुद भी जाते हैं और इनका जो दम पुख्त है जो इनका मटन है बिल्कुल ऐसा है कि मुँह में आप उसको रखो वो खुद ब खुद पिघल जाता अरे है अरे वाह <laughs> बिल्कुल बिकॉज लास्ट लास्ट वीक हम आपके रेस्टोरेंट पे आए तो द एक्सपीरियंस वॉज फॉमिनल वी रियली लाइक द फूड दैट यू आर ऑफरिंग बट बिफोर गेटिंग इन टू योर रेस्टोरेंट बिजनेस मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा कि जब मैंने आपको पहली दफा देखा तो मैंने आपको देखा एक वी लॉगर की शक्ल में एक सोशल मीडिया कॉन्टेंट क्रिएटर की शक्ल में तो आपने ये वीलागिंग की और दूसरी बात यह कि आप मैंने पढ़ा कहीं पे एंड करेक्ट मी फाइन रॉन्ग आप मलाकन डिस्ट्रिक्ट के या डिवीजन के सबसे पहले वीलागर हैं तो इस बात में कितनी सच्चाई है आ, जी नहीं भाई मलाखंड डिवीजन की नहीं केपी में पूरे केपी में है जी ये तकरीबन 2015 की स्टोरी है आई वॉज केएस है मैं सऊदी अरेबिया में था और आ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट वग़ैरह देखता था बाहर लोगों के जिस तरह वो व्लागिंग के ज़रिए लोगों को दिखाते थे अपनी कल्चर को दिखाते थे तो मैंने जब देखा उस वक्त की सी डी ड्रामे के बहुत ज़्यादा वो पुख्तू में ये था कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी वो जो कल्चर जिस तरह तरीके से वो लोग प्रमोट कर रहे थे तो वो थोड़ा सा अजीब था हम जब खुद बच्चे थे उन चीज़ों को देख कर तो वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके वो हरकतें हम भी करते थे जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी तो जब मैंने लोगों को देखा कि यार वो विलागिंग के ज़रिए से कितने माशाल्लाह अपने कल्चर को अपने लोगों को आ, क्या क्या चीज़ें वो दिखा रहे हैं तो जब मैंने देखा कि यार पुख्तनों में कौन है इस तरह तो पुख्तनों में एक बंदा मुझे नज़र नहीं आया एंड देन आई स्टार्ट वलागिंग सऊदी अरेबिया में था वहाँ पर जितने परदेस में लोग होते थे तो उनके पास जाता था बहुत ज़्यादा लोग हंसते भी थे मजाक भी उड़ाते थे कि यार ये क्या पागल है मोबाइल हाथ में पकड़ के हाँ जी असल मैं आपका दोस्त आपका भाई ताहिर खान लेकिन वो एक ड्रीम था मेरा कि यार अगर ये बाहर के लोग कर सकते हैं हमारे पुख्तनों में ये चीज़ बिल्कुल है नहीं और सोसाइटी इस तरह के लोग हंसते थे यार हम कोशिश करते थे कि यार अपने लोगों को दिखा सके ये तो कल्चर नहीं है हमारा जो सीडी डी ड्रामों में वो लोग दिखा रहे थे तो उसी वजह से मैंने व्लागिंग स्टार्ट की और मैं पहला पुख्तून वॉगर हूँ के पी में कि मैंने व्लागिंग स्टार्ट की हमारे दूसरे भी भाई थे अब्दुलवली भाई आ, वो उर्दू में करते थे पुशतू तो में किसी ने विलागिंग स्टार्ट नहीं की थी तो मैंने पुशतू तो में व्लागिंग स्टार्ट की और वो बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा लगा एक नया आइडिया था पुख्तू ने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया था कि एक बंदा जा रहा है वो अपना लाइफ स्टोरी शेयर कर रहा है दोस्तों के साथ मिल रहा है वो चीज़ें शेयर कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा क्लिक हुआ लेकिन वो एक सोच ये था कि यार थ्रू विलागिंग मैं लोगों का माइंड चेंज कर सकूँ अपनी सोसाइटी के बारे में अपने लोगों के बारे में कि हाँ पुछ दो तो ड्रामे शायद आपने देखे होंगे कि हाथ में बंदूक और गालियाँ और ये चीज़ें तो यार ये कहाँ होता है हमारी सोसाइटी में मैं तो बचपन से अब पूरा वहाँ पे जवान हो गया ये चीज़ें तो मैंने देखी नहीं वहाँ तो हुजरे का सिस्टम है वहाँ तो बड़ों की इज्जत होती है छोटों पे शक्कत होता है एक प्यार मोहब्बत वो एक चीज़ें होती है तो वो एक चीज़ था जहन में तो उसी वजह से मैंने व्लागिंग स्टार्ट की थी अच्छा जब जब स्टार्ट में आप ही व्लागिंग किया करते तो क्या मतलब क्या आपके टॉपिक्स होते थे आप सोशल इश्यूज़ को छेड़ा करते थे या क्या बस आज मैं जो हूँ फ़लानी जगह पे आया हुआ हूँ और मैं जो है फ़लां साहब से मिल रहा हूँ और बड़ा मज़ा आया इन्होंने बड़ी अच्छी मेहमान नवाज़ी की क्या स्टार्ट में क्या टॉपिक्स हुआ करते थे वेरी गुड क्वेश्चन एक व्लागर थे अदम साले वो है यमनी और वो यू में रहते हैं तो मैंने उसको देख के व्लागिंग शुरू की थी तो स्टार्ट में मेरा पहला विलाग मुझे अभी भी याद है कि मैं सऊदी अरेबिया से आ रहा था पाकिस्तान और मैंने वो वो जर्नी जो थी वो मैंने कैप्चर की थी कि हाँ अब इस वक्त मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ अपना पर्सनल लाइफ लोगों के साथ वो शेयर कर रहा था और मुझे कितनी खुशी हो रही है कि यार मैं दो साल बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ शादी करने जा रहा हूँ और ये प्लान है अब अच्छा जी रियाद एयरपोर्ट में अभी लैंडिंग हो रही है तो वो एक ऑडियंस को मैंने कनेक्ट किया थ्रू माई विलागिंग फिर जब घर पहुँचा घर लोगों को दिखाया तो लोगों को अच्छा लगा फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं नॉर्थन एरियाज जाता था वो चीज़ें भी मैं कैप्चर करता था वो चीज़ें भी शेयर करता था तो जितने भी परदेस में लोग हैं जो पाँच छः सालों से वहाँ पे थे गाँव की खूबसूरती गाँव के लोग उनके नज़र से हट करते तो वो व्लागिंग के ज़रिए से वो लोग काफ़ी इन्जॉय करते थे फिर जब मुझे पता चला कि यार थ्रू वी व्लागिंग बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्टेड है तो थोड़ा तो सा मैंने उस चीज़ को चेंज किया थ्रू सोशल वर्क फिर मैंने कहा कि यार अगर सोशल अपने इस प्लेटफॉर्म से आप किसी की हेल्प कर लो तो इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है अगर दूसरे बंदे अब आप व्लागिंग आपका शौक है आप वो भी करते रहे साथ में अगर इस व्लागिंग के ज़रिए लोगों की हेल्प हो सके तो देन विलागिंग के ज़रिए उससे थोड़ा सा हट कर अपना पर्सनल चीज़ है कि हाँ मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ वो ख़ुद को ज़्यादा प्रजेंट करना स्क्रीन पर उससे मैं थोड़ा सा साइड पे होगा और मैंने जितने भी मुश्किल हैं हमारे इलाक़े में आपको पता है नॉर्थन एरियाज़ में वहाँ पे गुरबत बहुत ज़्यादा है एजुकेशन की कमी है बहुत सारे से सोशल इश्यूज़ हैं कि उसको मैंने हाईलाइट करना शुरू किए तो फिर लोगों ने वो भी पसंद किया और अलहमदिल्ला जितने भी हमने वो आवाज़ उठाए थे लोगों के लिए तो वो गवर्नमेंट ने भी फिर नोटिस किया एक एक वीडियो जब हम बनाते थे तो गवर्नमेंट ख़ुद उस पर एकशन लेते थे और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होते थे तो फिर मैंने थोड़ी सी चीज़ें उस तरफ की वो सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ की उसमें भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया और सपोर्ट भी किया आप जब सऊदी अरब आपके सन में गए थे नईम भाई इट वॉज़ टू थाउजेंड टेन त्री फेबर अभी भी मुझे याद है इस्लामाबाद का पुराना एयरपोर्ट था जो पिंडी में जो पिंडी में एक इक्कीस साल का लड़का नौजवान आंखों में बेतहाशा ख्वाब लेकर और मुझे अभी भी याद है जब मैं एयरपोर्ट पे था मेरे दोस्त मुझे छोड़ने आए थे और आपको पता है जब मैं एंटर हो रहा था ना एयरपोर्ट तो उस साइड से लोग बाहर निकल रहे थे तो जब पहले बंदा पहली बार बंदा जाता है ना बाहर मुल तो वो बहुत खुश होता है कि हाँ यार ये तो एक नई दुनिया में जा रहा हूँ एक नई जिंदगी होगी और पता नहीं किस तरह होगा मुझे अभी भी एग्जैक्ट याद है थ्री फेबरवरी टू थाउजेंड टेन इक्कीस साल का एक लड़का जब वो अंदर जा रहा था और बाहर से लोग निकल रहे थे तो मैं उन लोगों को देख के मेरे आंखों में आंसू थे कि आई रियली विश के यार तीन चार साल पाँच साल जल्द कंप्लीट हो जाए और मैं भी कामयाब होकर लौटूँ अभी अंदर जाने से वो बंदी की खुशी होती है ना कि यार मैं एक नया मल्क जा रहा हूँ कुछ वहाँ पे करूँगा लेकिन जब लोग वहाँ से निकल रहे थे तो मेरे दिल में था कि यार काश आज मैं इन लोगों की तरह होता मैं लेकिन दिल में ख्वाफ था कि यार मैंने जाना है कुछ बन के आना है वापस तो 2010 में गया था अब पाकिस्तान में कॉलेज भी जाता था लेकिन एक शॉप में मैं शागर्दी करता था कंप्यूटर सेल एंड सर्विस वहाँ पे मैंने सीखा कि यार कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर किस तरह डालते मुझे कंप्यूटर का बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था हम क्लास थर्ड में थे कि हमारे एक टीचर एक पी सी लेके थे उस टाइम मेरे ख्याल में पेंटियम वन और टू ये चीज़ें हुआ करती थी तो पावर पॉइंट एक प्रोग्राम था उस पर उससे जितने भी बच्चे थे क्लास रूम के तो उन्होंने नाम लिखे तो उसमें मेरा नाम आया पावर पॉइंट पे उस तरह जिस तरह टीवी पे ड्रामे ख़त्म होते थे तो हाँ। लास्ट में आते थे ना तो वहाँ पे मैंने अपना नाम देखा ताहिर खान एक नाम ऊपर टीवी स्क्रीन पे जा हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा मैंने कहा यार ये तो कमाल की बात है आपका नाम टीवी में आ रहा है तो उस टाइम से मुझे बहुत काफ़ी शौक़ था कंप्यूटर का आप अच्छा आपकी पहली जॉब क्या थी जब आप तीन फरवरी 2010 पाकिस्तान से निकले हैं और जाहिर बात है उस वक्त इकामा का कल्चर हुआ करता था एक इकामा आता है जिसकी बेसिस पर आप सऊदी अरेबिया जाते हैं वहाँ पर काम करते हैं पहली जॉब आपकी क्या थी है वहाँ पर जब मैं गया सऊदीया तो मेरे भाई वहाँ पे थे मेरे भाई बहुत टफ़ जॉब करते थे वो मकैनक थे गाड़ियों के बड़ी गाड़ियों के वो पाए निकालना और मिस्त्री वो आज माशाला मेरे रेस्टोरेंट के जी है मेरे माशा तो वो भाई ने वो काम मेरे लिए छोड़ा और उसने टैक्सी पकड़ ली और टैक्सी में वो पचास से ऊपर की तादाद में उसने प्रेन किए थे मेरी सीवीज़ तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग यहाँ पे सीखी थी मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी थी पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें फोटोशॉप ये चीज़ें मैंने सीखी थी तो वो सीवी मेरे जाने से पहले मैंने बाई को सेंड की थी तो बाई ने टैक्सी सिर्फ इसलिए पकड़ी वो काम अपना छोड़ा कि यार टैक्सी में हर किस्म के लोग बैठते हैं तो मैं अपनी बाई की सीवी लोगों को दिखाऊंगा अगर किसी के पास जॉब मिली तो बाई जब आता है तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा तो खैर जब मैं गया भाई ने बहुत कोशिश की मेरी अरबी मुझे अरबी नहीं आती थी मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी तो तीन महीने हो गए थे मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी और भाई ये था कि वो जब दोपहर को भी आता था खाना लेके कि भाई आप टेंशन ना लो उस वक्त इंटरनेट की यूज़ भी आती थी वो बहुत महंगी थी उसने मुझे इंटरनेट भी लगवाया सिस्टम भी ख़रीदा कि बेटा आप यहाँ पर बैठे अपना सी फॉरवर्ड करें टेंशन आप ना ले दोपहर को वो काम छोड़ के आता था मुझे खाना खिलाने फिर शाम को भी टाइम से आता था खाना खिलाने और सिर्फ यही कहता था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो जॉब मिला ठीक है जॉब नहीं मिला तो आपने नर्वस नहीं होना आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना और जब आपको लगे कि आप तंग हो तो आप वापस पाकिस्तान जा सकते हो बहुत बड़ी बात है बहुत हाँ, बड़ी तो बात बहुत बड़ी बात है। सपोर्ट किया था लेकिन मैं अंदर से बहुत ज्यादा वो और था कि यार आप किस चीज़ के लिए यहाँ पे आयो तीन महीने आपके ज़ाया हुए तो फिर मैं भाई मुझे बाहर जाने भी नहीं देता था क्योंकि बाहर पे वहाँ पे जो हमारे पुष्तून लोग थे वो दिहाड़ी करने जाते थे मजदूरी करने जाते थे तो भाई को ये डर था कि शायद ये उन लोगों के साथ ना बैठ जाए और मेरा भाई कहीं इन चीज़ों में ना पड़ जाए क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे तो एक दिन इस तरह हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था तो मैंने यूँ किया कि जब भाई गए काम पे तो मैं गया बाहर बाजार पर तो मैंने कहा यार मुझे कहीं अपने लिए जॉब ढूंढनी है अच्छा जी तो मैं एक मोबाइल शॉप पर गया तो मैंने कहा कि यार मुझे सर जॉब दे दे वो पंजाब के कोई भाई थे उनकी दुकान थी कह अरे बेटा क्या कर सकते हो मैंने कहा सर बस ये मोबाइल से डेटा कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और कंप्यूटर से मोबाइल तो वो हंसने लगा उसके साथ एक पाँच छः साल का बच्चा बैठा हुआ था बेटा कह रहा है बेटा ये तो मेरा बेटा भी कर सकता है कोई ढंग का काम बताओ क्या कर सकता मैंने कहा सर मोबाइल फ़ोन में तो ये कर सकता हूँ तो अबतः अगर कंप्यूटर का कुछ काम है तो मैं कर सकता हूँ तो उसने कहा बेटा कंप्यूटर का तो काम नहीं है उसके साथ एक रेस्टोरेंट था अनूर जो रेस्टोरेंट का बिजनेस अभी मेरा चल रहा है ना इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है तो वो अल अनूर जो रेस्टोरेंट था जद्दा में बहुत किलोतमानिया में एक जगह थी और वो बहुत ज़्यादा फेमस था बहुत ज़्यादा रश वहाँ पे होता था तो मैं वहाँ पे गया लेकिन उसका जो ऑनर थे वो मुझे पहचानते थे, थे क्योंकि भाई मुझे बहुत बार वहाँ पे खाना लेके गए थे और भाई की दोस्ती थी उनके साथ और उन्होंने कहा था कि मेरा छोटा भाई है तो मैं उसके ऑनर के पास चला गया तो कह रहे जी बेटा बताएं मैंने कहा सर मुझे काम चाहिए कह रहे बेटा क्या काम कर सकते हो मैंने कहा सर कुछ कोई भी काम हो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ तीन महीने हुए पाकिस्तान से आया हूँ भाई मुझे काम और कराने नहीं देता अच्छी जॉब मिल नहीं रही कहा बेटा क्या कर सकते हो मैंने कहा सर कोई वेटरी पर लगाओ डिश वॉशरी पर लगाओ लेकिन मुझे काम करना है तो वो हंसने लगा उसने कहा वो भाई से मेरी लड़ाई कराना है क्या आपके भाई आएंगे तो फिर मेरे साथ वो परेशान हो कि आपने मेरे भाई को वेटरी पे लगाया तो उसने मुझे वेटरी का जॉब भी नहीं दिया और ये 2010 की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से भी दिल बर्दाश्त हो के फिर एक स्टूडियो गया जिस तरह आपकी स्टूडियो है माशा तो वहाँ पर पासपोर्ट और इामे के लिए तस्वीरें बनाना होती थी तो वो तो मुझे ऑलरेडी आती थी एडिटिंग से मेरा शौक़ था डापोटी शॉप पर तो वो एक मुल्तान के अंकल थे तो कह रहे बेटा क्या कर सकते हो मैंने कहा सर जो आप गए तो उसने कहा बेटा पिक्चर निकाल सकते हो फिर उसको इस तरह डिज़ाइन करके पाँच छः पीसेस कट कर सकते मैंने कहा जी उसने कैमरा पकड़ाया मैंने जाके फ़ोटो ली उसने मेरा टेस्ट लिया वो मैंने क्लियर किया तो उस वक्त वो लोग दे रहे थे सैलरी दो हज़ार रियाल लेकिन जब उसको पता चला कि ये बच्चा नया है और ये निधि है उसको काम की ज़रूरत है तो उसने मुझे कहा कि बेटा आपको अरबी नहीं आती आप अभी अब इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने काम अगर करना है तो मैं आपको तेरह सौ रियाल दूंगा आपका सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि पहला जॉब मेरा क्या था सक दिया तो मैंने कहा सर आप तेरह सौ भी ना दे मैं बस यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ थोड़ा सा सीखना चाहता हूँ मैं चीज़ें तो उसने कहा नहीं बेटा आप कल से आए आपकी सैलरी तेरह सौ मैं बहुत खुश हुआ भाई शाम को आए तो मैं भाई को गले लगा और भाई ने कहा कि इतने खुश क्यों मैंने कहा भाई जॉब मिल गई तो कह रहे अच्छा तो वो सोच कि कोई अच्छी कंपनी से जॉब मिली है तो कह रहे बेटा कौन सी कंपनी से जॉब मिली मैंने कहा नहीं वो जो अलरयान स्टूडियो है ना ये बाजार के साथ वहाँ पे तो कह रहे बेटा क्या काम वो थोड़े से परेशान हो गए कि यार कोई इस तरह काम ना हो कि मेरा बाइक थोड़ा सा सकम मैंने कहा भाई कोई का, काम नहीं है कैमरे से मुझे प्यार है कंप्यूटर से मुझे प्यार है बस तस्वीरें खींचनी है और जाके वहाँ पे एडिट करनी है और प्रिंट करानी है तो ये काम तो मुझे पसंद है कह रहे बेटा गंदा काम तो नहीं मैंने कहा नहीं भाई गंदा काम नहीं है कह रहे बेटा ये सफाई वगैरह ये चीज़ें ना हो मैंने कहा भाई कुछ नहीं है बस उसने कहा चले आप खुश है तो मैं खुश तो कल से मैं चला गया तो जब पहली बार मैं गया तो बस वहाँ पर अंकल थे उसने मुझे झाड़ू पकड़ाई कि बेहतर जब सुबह आते हो आठ बजे तो बहुत बड़ी स्टूडियो थी इसको आपने झाड़ू लगाना है फिर एक अखबार पकड़ाया पानी के शीशे आपने जितने सारे ये आपने साफ करने वॉशरूम आपने साफ करने तो मेरा एक जुनून था अंदर कि यार मैंने कुछ करना है तो ये चीज़ें मैंने वो आ, करना शुरू की मैं ऐसा बच्चा था लाडला के मैं पानी भी घर में बहनों को कहता कि, कि खुद पानी में नहीं उठाता था, था। लेकिन जब वहाँ पे गया तो मैंने सोचा कि यार ये स्ट्रगल आपने करनी है जब पहली बार मैंने झाड़ू पकड़ी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि अगर अच्छा उस वक्त सोच ये थी कि अगर मेरी माँ मुझे इस पोजिशन में देखे कि मेरा बेटा झाड़ू हाथ में और वो दूसरी की स्टूडियो झाड़ू कर रहा है या उसके हाथ में अखबार है वो शीशे साफ़ कर रहा है तो मुझे अपने हालात में नहीं जब अम्मी की याद आती थी, थी ना तो मुझे रोना आता था फिर मैं ख़ुद को कंट्रोल करता था कि नहीं यार आपने सीखना ही चीज़ें आपने अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है तो खैर वो चीज़ें करके सपाई तो फिर वो काम पे कंप्यूटर पे बैठ गया फ़ोटो निकालना तेरह सौ से मैंने स्टार्ट ली तो भाई को ये चीज़ें मैं नहीं बताता था कि यार मैं झाड़ू भी लगाता हूँ वाशरूम भी साफ करता हूँ शीशी भी साफ करता हूँ वहाँ पर आपने करने होते हैं जब आप एक दुकान में एम्प्लॉई होते हो तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया लेकिन मैं रुका नहीं लोग क्या कहते कि हाँ यार मुझे जॉब मिल गई बस ठीक है यार तेरह सौ गुजारा हो रहा है पहले दिन से जब मैं इंटरनेट पर बैठा तो मैंने सर्चिंग स्टार्ट की कि यार कोई अच्छी सी कंपनी में सीवीज बेचता रहा बेचता रहा मेरा जीमेल अभी भी भरा हुआ है 2010 की वो आईडी मेरे पास है जीमेल अभी कभी कभार जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो मैं जाके वो देखता हूँ कितनी रिक्वेस्ट के साथ में वो लोगों के सर प्लीज़ आई नीड दिस जॉब सर प्लीज़ आई नीड दिस जॉब कॉल्स भी आती थी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉग मेरी थी नहीं तो मैं ज़्यादातर जवाब से नहीं दे सकता था तो फिर मुंह पे मोबाइल बंद कर देते थे तो खैर मैं रुका नहीं वहाँ से मैंने स्टार्ट की तेरह सौ रियाल जब मुझे अभी भी पता है कि जब पहली से ली मैंने ली तो मैंने बाई को पकड़ाई और भाई रोने भी लगे कि माशाल्लाह तो इतना तगड़ा हो गया कि तुम पहली सैलरी आपने ली और वो पैसे मैंने घर भेजे दो महीने वहाँ पे काम किया एक और स्टूडियो से ऑफ़र मिली अब पंद्रह सौ की तो फिर मैं वहाँ चला गया वहाँ भी नई चीज़ें मैंने सीखी ज़िंदगी में मैं, मैं जहाँ भी रहा हूँ नहीं भाई मेरी कोशिश ये होती है अगर आपकी कमाई हो या ना हो आप कुछ सीखें आपके वो मैं प्रोमो देख रहा था कि यार ये पॉडकास्ट मैं इसलिए नहीं करूँ कि मैं यहाँ पे पैसे कमाऊँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक बेहतर इंसान बन सकूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ यार मैं खुद एज ए ह्यूमन यहाँ पे कुछ सीखूँ अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँ तो ये मेरा बचपन से यही है कि यार अगर आपको कोई कमाई ना मिले आप एक बेहतर इंसान तो बन सकते हो आप चीजें तो सीख सकते हो और वो सीख जो मुझे सऊदिया में मिली आज तक वो मुझे हेल्प करा रही है तो वहाँ से एक दूसरे स्टूडियो में गया पंद्रह सौ फिर आहिस्ता एक साल स्ट्रगल किया बहुत स्ट्रगल किया ईद में मैंने किस तरह गुजारी लोग ईद नमाज पढ़ के हजरे में आके वो खाना खा का के सो जाते थे मैं ईद की नमाज पढ़ के जाके झारू लगाता था स्टूडियो पर क्योंकि ईद के दिन काम होता था ज़्यादा लोग पिक्चर्स वगैरह खींचने आते थे तो वो कितनी मुश्किल से मैंने वो काम किया फिर साल बाद मुझे कंपनी में जॉब मिली एज ग्राफिक डिज़ाइनर जो तो मेरा फील्ड था और ये मैं आपको एक मजे की बात बताऊं वहाँ पे एडोब एलस्ट्रेटर जितने भी हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर है शायद उनको पता हो एडोब एलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर हुआ अभी भी है तो मुझे एक्सपीरियंस था एडॉब फोटोशॉप पर जिस पर फ़ोटो की एडिटिंग वगैरह होती थी और ड्रा मैंने पाकिस्तान में सीखी थी तो जब इंटरव्यू गया मैं तो उसने कहा कि एडोब एस्ट्रेटर पर आप कुछ कर सकते हो मैंने कहा हाँ सर कर सकते हो लेकिन मैं कल करूँगा अच्छा अब मुझे एडोब अलस्टेटर का नाम मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में सुना अब मैं जब घर आया मैंने कहा यार कल आपका इंटरव्यू है और आपने वहाँ पे डिज़ाइन बना के देना है आपके पास एक रात है आपने इस सॉफ्टवेयर का नाम भी नहीं सुना पूरी रात मैं यूट्यूब पर बैठा इट वॉज टू और यूट्यूब पे पाँच छः घंटे मैंने वो कोर्सेज़ ली कि एडाबल स्टेटर में किस तरह डिज़ाइन होता है ये चीज़ें लोगों किस तरह बनते हैं ये तो पूरी रात मैंने स्टडी की होमवर्क किया कल जब गया उसने कहा एक लोगो बनाओ बहुत साथ में खड़ा था तो टक टक वो चीज़ें मैंने सीखी थी और मैंने लोगों मना के दिए तो उसने कहा गो गोहैड तो मेरी सैलरी थी पंद्रह सौ तो इस्ट्रेट चली गई तीन हज़ार पर और मुझे रूम भी मिला मुझे उसने कहा कि आप एक काम हमारे साथ भी कर सकते हो कामा की रिन्यूअल जो पीसीज़ है वो भी हम आपको पे करेंगे और अभी इंसान की इनकम में एक लाख और वो ऑटोमेटिकली दो लाख हो जाए तो कितनी खुशी होती है मैंने घर कॉल की और मेरे मम्मी को बताया कि मेरा ड्रीम जॉब मुझे मिल गया और पैसे भी अच्छे ख़ास मिल रहे रूम भी मेरा अपना है अलहमदिल्ला ऑफिस भी अपना है तो काफ़ी वो खुशी थी लेकिन उधर भी मैं रुका नहीं मैं जितने भी डिज़ाइन वगैरह बनाता था तो हमारे साथ सेल डिपार्टमेंट हुआ करता था मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ करते थे वहाँ पे सऊदी लोग बैठते थे लबनानी लोग बैठते थे सीरिया के लोग बैठते थे तो मैं जब मेरे पास टाइम हुआ करता था तो मैं अपना काम ख़त्म करके उनके ऑफिस जाता था और मैं देखता था कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं तो यार मुझे उसमें भी बहुत मज़ा आया वो लोग फोन पर फोन करे सर वी हैव दिस प्रोडक्ट वी हैव लेदर प्रोडक्ट्स एंड दिस इज़ आवर प्राइस वी इम्पोर्ट फ्राम इंडिया वी इम्पोर्ट फ्राम लेबनान वी हैव अ स्मॉल फैक्ट्री वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगने लगी मैंने कहा यार शायद मैं भी ये कर सकूँ तो मैं उनके साथ बैठता था डेली दो तीन घंटे अपना काम ख़त्म करने के बाद उनके साथ दोस्तियाँ बनाई दोस्त मेरे एक ऑफिस में काम करते थे तो फिर मैंने कहा यार मुझे ये चीज़ करना है क्योंकि एक सैलरी भी हुआ करती थी उनकी पाँच हज़ार मेरी तीन हज़ार थी उनकी पाँच हज़ार सैलरी थी और उसके साथ उनको कमीशन भी मिलता था जितने वो सेल करते थे उसके एक दस परसेंट पंद्रह परसेंट कमीशन मिलता था तो मैंने ऑनलाइन कंपनी को ईमेल सेंड करना की कि मैं प्ला डी पिजन कंपनी से हूँ हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं और आप मुझे चांस दें मैं अपना प्रोडक्ट आपको पेश करूँ तो पहला जब बॉस को मैंने कहा कि सर मैं कर सकता हूँ तो वहाँ से लगा कि यार अपने काम पर फ़ोकस करो ये आपका काम नहीं ये तो बड़ा वो परचेजिंग मैनेजर से मिलना पड़ता है डायरेक्टर से मिलना पड़ता है उनको कन्विंस करना होता है मैंने कहा सर मैं कर सकता हूँ तो उसने कहा चले आप ट्राई कर ले तो मुझे अभी भी याद है मैं उम्र करने गया और फिर वो अहराम मैंने किस में बन करके मैंने चेंज किया और आ, हरम शरीफ के बिल्कुल सामने मक्का लाख टावर है काफ़ी फेमस बिल्कुल बिल्कुल उसके अंदर नहीं भाई सात आठ फाइव स्टार होटल है सेवन स्टार होटल्स हैं और मैंने कंपनी में देखा था कोई भी हमारा जो सेल डिपार्टमेंट से बंदा था किस में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो वहाँ पे एंटर हो जाए तो मैंने कहा क्या करेंगे मुझे धक्के निकाल के बाहर निकालेंगे तो मैंने जाना है वैसे बुरचोड़ हाथ में था तकरीबन तो पैंतालीस मिनट मुझे लगे जब मैं एंटर हुआ तो एक परचेजिंग मैनेजर मुझे मिले अच्छा वो ऑफिस से निकल रहे थे तो कह रहे भाई किससे मिलना है मैंने कहा परचेजिंग मैनेजर से मिलना है तो कह रहा है आई एम द परचेजंग मैनेजर तो मैंने कहा सर कैन हैव योर फाइव मिनट्स तो कह रहा है यू डू हैव अपॉइंटमेंट मैंने कहा नहीं वो तो नहीं है तो उसने ऊपर नीचे देख रहे कम इन साइड मैं अंदर गया तो उसको सर ये हमारे प्रोडक्ट्स है ये हमारी चीज़ें हैं तो उसने कहा सैंपल लेके आया और अल्हम्दुलिल्लाह उसे पहले हफ्ते में मैंने दो लाख रियाल का पहला ऑर्डर लिया तो जब ऑफिस आया तो वो सेल डिपार्टमेंट वाले भी हैरान थे कि यार ये आज का बच्चा है वो ग्राफिक डिपार्टमेंट से निकला और इतना बड़ा ऑर्डर लिया बॉस ने पार्टी बनाई और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उसने कहा आप ग्राफिक्स को छोड़ो आप हमारे सेल डिपार्टमेंट में आओ बस सेल डिपार्टमेंट में दो तीन महीने काम करता रहा करता जो हमारे हेड थे मार्केटिंग मैनेजर के तो वो किसी इशू पे वो कंपनी उसने छोड़ी तो फिर बॉस ने मुझे उस जगह पे बिठाया कि आप हेड करेंगे आप इनको बताएंगे कि यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना तो मेरा कभी फ्लाइट रियाज हुआ करता था कभी दमाम कभी मदीना तो बहुत ज़्यादा काम हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किया और सात आठ सालों के बाद अल्लाह ने वो मौका दिया कि मैं उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया जो बच्चा गया था उधर तीन हज़ार की सिलरी तो ऐसा महीने भी आया कि मैंने तीस तीस हज़ार रियाल भी उस महीने में कमाए कि एक महीने में फिर शादी हो गई बच्चों को भी उधर बुलाया अपना घर था मेरा गाड़ी थी बहुत अच्छा सेटअप चल रहा था वो एक पीक पे मेरा करियर जा रहा था और बहुत सब कुछ अच्छा था कि फिर अल्लाह ने किस्मत और पलटी अच्छा <laughs> मैं आपकी स्ट्रगल को योर स्ट्रगल इज ट्रू इट वाज लाइक एन अमेजिंग जर्नी दैट यू हैव बीन थ्रू बट मैं आपकी स्ट्रगल को और आपकी इस अचीवमेंट को थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूँगा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से कि आप यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड हैं आपने डिग्री की है यूनिवर्सिटी आप गए हैं या एफ एस सी के बाद या मैट्रिक के बाद आपने पढ़ाई नहीं की वट दैट जर्नी लाइक बिकॉज मैं डॉट्स कनेक्ट करना चाहता हूं कि एक ऐसा बंदा जिसने इतनी स्ट्रगल की जो इतने ख़्वाब अपने आंखों में लेकर गया सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ बनना है और उसमें वो जस्तजू बहुत कम लोगों में ये जस्तजू होती है कि यार मुझे इस लेवल तक पहुंचना है ज़्यादातर लोग तो सिर्फ सर्वाइवल में ही रहते हैं ज़्यादातर लोग तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान में रहते हैं कि हम वहाँ पर होंगे यहाँ पर पैसे भेजेंगे माँ बाप बहन भाई एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे और शायद कुछ जमा पूंजी हो उसके बाद मैं एक प्लाट लेकर घर बना लूँ और अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो सही है मेरे पास एक गाड़ी हो इसी में उसकी एक लाइफ गुजर जाती है बैरून मुल्क खासकर जो हमारा जो वर्कर तबका है जो लेबर तबका तप, मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं किस कॉलेज से पढ़े हैं और जब आप स्टूडेंट थे सही है तो उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था कि यार मैं ये एजुकेशन जो कर रहा हूँ तो उस वक्त आपका क्या गोल था उस वक्त तो भी आपका यही गोल था कि यार मैंने तो बाहर जा कर ही काम करना है मुसाफरी की ज़िंदगी गुजारनी है या आपका पैशन और गोल कुछ और था नहीं भाई जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ वो बचपन की गुरबत थी मुझे अभी भी याद है वो थप्पड़ बचपन के वो जो गुरबत ने मुझे मारे थे ना Uh, मैंने शायद ये कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया किसी को ना मैंने थ्रू सोशल मीडिया की भी ये चीज़ें बताई उस दिन भी आप लोग आए थे तो मैं थोड़ा इमोशनल बन रहा हूँ uh, मैं वो ज़्यादा एक्सप्रेस कर नहीं सकता चीज़ें कि यार क्या गुजरी है मुझ पे? नहीं आई थिंक यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ सेल्फ लाइक जिस तरह आपने ये स्ट्रगल बताई बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह एक्सप्लेन कर पाते हैं बिकॉज़ लोग समझते हैं कि यार इसको छुपाना ज़्यादा बेहतर है अब आपने जो बात कही वो एक ऑथेंटिसिटी की अलामत है आप यू आर बीइंग ऑथेंटिक जो आपके अंदर है वो आप लोगों को भी उसी तरह बता रहे हो और यही वजह है कि लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं वो आपसे रिलेट कर पाते हैं कि यार ताहिर खान तो ऐसा ही है जैसा मैं हूँ यार मतलब ये कोई आसमान से या दूसरी दुनिया से थोड़ी आया हुआ कि यार बस ये रातों रात जो है इसने इतनी कामयाबी हासिल कर ली और एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। क्या था उस वक्त। या so yeah, sure. uh, मेरे अबू आर्मी में थे लास थे और पंद्रह साल सर्विस करने के बाद वो जब घर आए तो हम तीन भाई और तीन बहने छह बच्चे थे मेरे अबू के और अबू का ये ड्रीम था कि मेरे सारे बच्चे पढ़े और uh, कोई भी हो ये किसी के सामने हाथ ना पेलाए और ये मेरे बच्चे पढ़े तो अबू के पास और कोई जॉब नहीं थी तो आज भी मैं जब देखता हूँ जो ट्रक चलाते हैं आप भी देखते हैं और जितने भी हमारे से देखते हैं वो जो ट्रक जाती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लोड करके हमारी गाड़ी तो आराम से निकल जाती है वो बेचारे तीस चालीस की स्पीड पर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे तो अबू ने ट्रक ड्राइविंग शुरू की और मुझे अभी भी याद है मैं जब बच्चा था स्कूल में तो अबू पड़ोस के घर में एक टेलीफोन हुआ करता था वहाँ पे वो कॉल करते थे वो रवात पेंडी फैसलाबाद माल लेके जाते थे अब्बू के पास इतना टाइम नहीं था वो फैसलाबाद से जब वापस आते थे ना बटखेला मलाखंड तो बाज़ार में वो टेलीफोन कॉल करते थे और पड़ोसियों को बोलते थे कि जाके ताहिर की अम्मी को बोलो कि साफ कपड़े बच्चों को दे बाज़ार लेके आए मुझे अभी भी याद है अबू के पास इतना वक्त नहीं हुआ करता था कि एक किलोमीटर का रास्ता था कि वो घर आए वहाँ पे कपड़े धोए बच्चों को दे के अबू कहे कि नहीं अगर मैं अड्डे पे नहीं पहुंचा तो शायद वो माल कोई और लेके जाएगा क्योंकि अबू के उसका ड्रीम था कि मेरे बच्चे पढ़े और इनकम बहुत कम थी तो अबू दिन रात वो ट्रक चलाते थे मुझे अभी भी याद है अम्मी मुझे कहती कि हाँ बेटा ये अबू के कपड़े शापर में है वो प्ला सालून में है वहाँ नहाँ कपड़े अबू को दे आए तो वो मैं अबू को कपड़े देता था अब अबू पिर से कपड़े चेंज करके अड्डे पर पिर गाड़ी लोड करके रवात फैसला पा जाते थे तो यह हमारी वो बचपन की मैं कह रहा हूँ क्या ना कि वो ग़ुर्बत वस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ाऊँ मैं तलीम की तरफ़ आ रहा हूँ कि मैंने कितनी एजुकेशन की है तो मुझे अजीब सा लगता था कि यार अबू के पास इतना वक्त नहीं होता और जब वो घर आते थे ना उसकी आंखें सुर्ख हुआ करती थी उसकी नींद पूरी नहीं होती थी मुझे अभी भी याद है कि एक बार उसने कैलेंडर को ट्रक दिया कि बेटा आप चला ले मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ तो वो ट्रक के ऊपर वो जो चटनी होती है अब वहाँ पे सो रहे थे वो कैलेंडर बेचारा सो गया और जब सो गया रहा पे तो वो ट्रक से अबू अबू सो रहे थे वो ट्रक उलट हो गई और अबू ट्रक के छत से नीचे गिर गए लेकिन वो अल्लाह का करम था कि अबू को चोट आई लेकिन अबू की ज़िंदगी बच गई तो जब अबू घर आए तो यहाँ पे चार पांच टांके लगे हुए थे मैं स्कूल से आया और मैं जब अबू को देखने लगा तो वो काफ़ी इमोशनल चीज़ें वो मैं याद भी नहीं करना चाहता तो मैं वो अबू की सुरख आंखें यहाँ पे खून वो मुस्कुरा रहे हैं कि बेटा स्कूल से आया मैंने कहा जी अबू आए कह रहे बेटा इन सब कुछ ठीक हो जाएगा तीन महीने अबू बेरोजगार थे घर में हम छः बहन भाई थे वो किस तरह गुजरे हैं अम्मी ने किस तरह स्ट्रगल करके हमें कभी ये नहीं कहा कि बेटा आज आपके अब्बू घर पे है तो आपको वो एक रुपया हम लेके जाते थे स्कूल तो ये नहीं कहा कि बेटा एक रुपया नहीं है तो अम्मी किसी से पकड़ा के हमें एक रुपया देते थे कि हमारे बच्चे पढ़े मुझे अभी भी याद है नीम बाई डॉन कॉर्स एक ब्रांड उस वक्त लॉन्च हुआ था टू थाउजेंड और एक हज़ार वो जूती मिलती थी तो मेरे अंकल एक सऊदिया में थे और मेरा कज़न था उसके अबू भी सऊदिया में थे दो अंकल मेरे सऊदिया में थे तो मेरे बड़े भाई ने जो मेरे जी एम है उसने मेरे अंकल को कॉल किया कि ये शूज़ आए हुए हैं तो हम चाहते हैं कि यार मैं ये लूँ तो उसने अंकल ने मेरे भाई को एक हज़ार रुपये उस वक्त में बहुत ज़्यादा था वो भेजे मेरे कज़न को उसके अबू ने एक हज़ार भेजे अच्छा अब तीन हम एक साथ एक ही घर में तीन बच्चे थे हम उम्र अच्छा मैं अम्मी को कहा कि अम्मी ये दोनों लेके जा रहे हैं वहाँ जा रहे ईद के लिए वो शूज़ ले रहे थे डॉन कर्लस तो मैंने कहा अम्मी मुझे भी एक हज़ार रुपये चाहिए तो अम्मी ने कहा बेटा नहीं है मेरे पास मैं छोटा था मैं रोने लग गया मैंने कहा नहीं ये मेरे भाई मेरे कज़न ईद में एक एक हज़ार के डॉनकॉर्लस लेंगे और आप मुझे सौ रुपये पकड़ा रहे हो कि आप जाके बस ब्लैक से शूज़ लो ताकि स्कूल के लिए भी काम आए अम्मी रोने लगी कि बेटा नहीं है मेरे पास अच्छा मुझे अभी भी याद है मैं इतना रोया लेकिन पैसे नहीं थे नहीं भाई मैं गया और वो सौ रुपए के मैंने शूज़ लिए भाई और कज़न ने वो भी जाहिर सी बातें छोटे थे तो उनको ये नहीं था कि यार ये बच्चा क्या सोच रहा होगा तो मैं तालीम की बात करूँ कि बचपन की वो गुरबत ने जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज जो सबक मैंने वहाँ पे पढ़ा ना कि जब वो डॉन कॉर्स लिए और मैं हाथ में सौ रुपए का शूज़ में हाथ में थे हम घर आए ठीक है तो मैं उनके शूज़ जब ईद का दिन था उन्होंने वो पहने मैंने वो पहने मैं इतना रोया ईद के दिन बच्चे हंस रहे कि ना वो यार मैं रोने लगा लेकिन वो बचपन में एक आगसी थी कि यार इस तरह किस तरह होगा इस तरह तो नहीं कर सकते हम जिंदगी में तो कुछ करना है तो वो फिर जब मेट्रिक पास किया तो फिर मैंने जाके कॉलेज मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं पहला बच्चा था घर का के मेरे अम्मी अभी भी कहती है कि मेरा छः बच्चों में से एक ये बच्चा था कि स्कूल से फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में ट्रॉफी लेके जाता था मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में तो मैंने कहा कि अब मैंने थोड़ा सा काम भी करना है फ़र्स्ट ईयर मैंने किया तो फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर शॉप पे जाने लगा कंप्यूटर से मेरा शौक़ था जिस तरह मैंने आपसे कहा तो हमारे अंकल थे उनकी कंप्यूटर की शॉप थी तो वो लाहौर से माल लेके आते थे वहाँ पे बेचते थे मैंने विंडोज़ सीखी कि विंडोज़ किस तरह इंस्टॉल होती है एडॉप फोटोशॉप मैंने उनसे सीखा सॉफ्टवेयर मैंने उनसे सीखे और जब सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर क्लियर किया सेकेंड ईयर में मेरे वो मामू गए पिशावर उसने वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया और वो दुकान भेज रहे थे उस वक्त मेरे भाई गए थे सऊदिया मिस्त्री का काम करे तो एक लाख सात हज़ार ये टू थाउजेंड थ्री की बात है और मैं बच्चा था तकरीबन उन्नीस बीस साल का तो भाई को मैंने कहा कि दुकान अंकल भेज रहे हैं और मैंने लेनी तो सब घर वाले हंस पड़े कि यार तू इतना बच्चा है उन्नीस बीस साल का तू तो किस तरह कारोबार कर सकेगा मैंने कहा नहीं मुझे सब कुछ आता है वो डीलिंग करनी है ना कंप्यूटर खरीदने तो मैं पिशावर से अंकल मुझे यहाँ पे लाके देंगे मैं यहाँ पे भेजूँगा विंडोज़ वगैरह करूँगा सौ डेढ़ सौ उसका मिल जाएगा कोई भी मुझ पर बिलीव नहीं करता मेरा भाई मुझ पर बिलीव कर रहा था तो उसने कहा बेटा कितना बंद है मैंने कहा भैया एक लाख सात हज़ार उसकी वो पूरी डिमांड है तो भाई ने पचास हज़ार एक भेजे पचास हज़ार बहुत बड़ी अमाउंट थी टू थाउजेंड थ्री में मिडिल क्लास फैमिली बंदे के लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी था। था 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 था। तो भाई ने एक लाख सात हज़ार भेजे मैंने वो दुकान अपने अंकल से ली और मैंने फिर जो कॉलेज की पढ़ाई थी वो मैंने प्राइवेट की मैंने कहा अब मैं रेगुलर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने अपना करियर पर काम करना है तो मैंने वहाँ पे काम शुरू किया एज़ अ कंप्यूटर सेल एंड सर्विस अच्छा कोई भी लाहौर नहीं गया था हमारी फैमिली से 19 साल का लड़का जब मुझे पता चला कि लाहौर में कंप्यूटर का बहुत बड़ा मार्केट है हफीज़ सेंटर वो एक मज़े की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अच्छा जी मैंने बस पकड़ी शाहिद कोच और मैं गया लाहौर जो बुथरा तो मैंने कहा कॉलेज फर्स्ट ईयर में हम गए थे उसके बाद मैं लाहौर नहीं गया था और वो टीचर हमारे साथ थे तो वो जो स्पेसिफिक जगह है वहाँ पे हमने विजिट किया था मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था बिजनेस का अच्छा मैं जब शायद कोच से उतरा वहाँ पे किससे पूछा कि हफीज़ सेंटर के लिए गाड़ी कहाँ से जाती है तो रशके वाले ने कहा कि बेटा आपने रशके में बैठना है मैंने आपको अड्डे पर लेके जाना है फिर अड्डे से एक वेगन जाती है हफीज़ सेंटर मैंने कहा जी सर लेके जाए अभी उन्नीस साल का बच्चा है लेकिन वो स्कूल से पढ़ा हूँ गुरबत के स्कूल से कि यार मैंने जिंदगी में कुछ करना है कुछ आगे बढ़ना है अम्मी दुआएं कर रहे थे कि छोटा बच्चा गया लाहौर पता नहीं सही सलामत आएगा या नहीं और अकेले गए थे अकेले गया था मैं उन्नीस साल का अच्छा जी रशके वाले ने मुझे वेगन के पास लेके गए और वेगन वाले को बोला कि यार इसे हफ़ीज़ सेंटर का जो स्टॉप है वहाँ पे उतार लें अच्छा जी जब मैं हफ़ीज़ सेंटर गया अंदर तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जब मैं अंदर गया तो मैंने दुकानदार जितने हैं मैं गया उधर सर्च किया कि यार प्राइस क्या क्या मिल रही है अच्छा जी मुझे वहाँ पर एक लाट नज़र आया पेंटीएम टू के कंप्यूटर थे उसकी प्राइस बटखेला में हम उसे बेचते थे तीन एक सी को पेंटी एम टू मैंने वहाँ पे पूछा कि सर अगर मैंने क्वांटिटी में लेनी पचास सौ पीसेस तो आप कितना प्राइस देंगे तो उसने जब कैलकुलेटर वगैरह किया तो आप कह रहे हैं बेटा आपको मिलेगा तेरह सौ अयो शॉक के यार तेरह सौ पर ये चीज़ें यहाँ पे मिल रही है फिर मैंने कहा सर मेरे से लेके जाना है मलाकंड तो किराया वगैरह कह रहे ये बिल्टी वाले इनसे पूछ ले मैं गया उधर उनका ऑफ़िस मैंने कहा एक पीस पर कितना खर्च आता है उसने कहा सौ रुपया आता है तो चौदह सौ का मुझे कोई सीरीज़ भी नहीं ले रहा था उधर आप कह रहे बच्चा कहाँ से है पूछ रहा है लेकिन मेरा एक ड्रीम था जहन में कि यार मैंने कुछ करना है तो फिर जब मैंने कैलकुलेशन की कि यार ये चौदह सौ पे मुझे वहाँ पहुँच मिल रहा है इसकी मार्केट प्राइस है तीन हज़ार हमारे मार्केट में गुरुता अब भी है वक़ार उसका नाम है कंप्यूटर सेल एंड सर्विस का मैंने उसको कॉल की मैंने कहा यार वकार भाई मुझे एक बंदा आया है उसके लिए इंटरनेट कैफ़े वो खोलना चाहता है उसके पच्चीस कंप्यूटर चाहिए पेन टी टू इस कन्फिग्रेशन में मुझे क्या प्राइस मिलेगा तो उसने कहा ताहिर अच्छा मैं आपको एक प्राइस देता हूँ इसमें मेरे दो सौ रुपये वो कमाई है मुझे पता था मार्केट का रेट पता था उसने जब कैलकुलेशन की तो उसने मुझे प्राइस दिया तेईस सौ तो मैंने जब अंदाज़ा लगा कि ये मुझे तेईस दे रहा है तो उसको यहाँ पे पहुँच मिली है दो हज़ार तो ये मार्जिन रखेगा तो मैंने कहा यार मुझे चौदह सौ पे ये मिल रहा है और ये उन्नीस साल का बच्चा है वो सारा लाट मैंने खरीद लिया और मैं बटखेला लेके गया जब वकार को पता चला कि यार उसने फोन किया कि भाई तो तो आया नहीं मैंने कहा वो यार वो बंदा नहीं ले रहा चीज़ें जब उसको पता चला कि ये सिर्फ प्राइस मालूम कर रहा था और वो दो दिन बाद वो पूरा लाट बटखेला आया उस सारे कंप्यूटर वाले जो बड़े बड़े गुरु थे वो हैरान रह गए कि यार ये इसने कौन सा और मैंने प्राइस लगाया मैंने कहा भाई मुझे चौदह सौ पे पढ़ाए दो हज़ार रुपये आम और खास को ये सेल आ जाए वो मेरी दो तीन दिन में बिक गई कंप्यूटर वो दुकानदार मुझसे लेने लग ले गए तो एक था कि यार वो मैंने जगह पे बैठना नहीं था कि हाँ मैंने दुकान लिया तो लोग आएंगे भाई सर ये विंडो कर ले सर ये पुराना चीज़ ले ये नया दे मैंने कहा कि मैंने कुछ नया करना इस चीज़ में और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास हमारे घर में किसी के पास साइकिल भी नहीं था एक साल उन्नीस साल का लड़का जब बिजनेस का मेरा ड्रीम था उस वक्त हम वो जॉन इब्राहिम की मूवीज़ बहुत देखते थे hmm, दूम दूम बाइक तो मुझे यार वो बाइक की बहुत शौक थी ना मैंने कहा यार मैंने बाइक तो लेनी है अच्छा जब मैंने कमाई की घर में कोई मुझसे खर्चा नहीं ले रहा था भाई बाहर थे वो खर्चा बेचते थे अबू ड्राइविंग करते थे वो भी ख़र्चा चला रहे थे और वो कह रहे कि ये बच्चा बस खुद सही है बस हमें ना दे हमसे ना ले बस ठीक है और एक साल के बाद वन टू फाइव मुझे अभी भी याद है बावन हज़ार का वो मैंने ख़रीदा था वो ब्लैक कलर की वो तो वन टू फाइव और उसको मैं बड़े वो हीरो की तरह मैं चलाता था, था ना दोस्त कहते कि यार ये तो बच्चा माशाल्लाह फिर जब मैंने आहिस्ा आहिस्ता चीज़ें देखी कि ना हम जॉइंट फैमिली में रहते थे पांच छः अंकल एक घर में एक कमरा था हमारा हम छः बहन भाई एक कमरे में पल्ले बड़े हैं बीस बाईस साल हमने एक कमरे में गुजारे हैं जब थोड़ा बहुत मिचेवर होने लगा तो मैंने कहा यार भाई आप तो ठीक हो इस बिज़नेस में आपने तो अभी बाइक लिया कल गाड़ी लोगे लेकिन आप फैमिली को क्या सपोर्ट कर सकते हो जब मैंने कहा यार फैमिली को तो मैं सपोर्ट नहीं कर सका मैंने भाई को तंग करना शुरू किया मैंने कहा भाई मुझे वीज़ा चाहिए मैंने बाहर आना मैंने बहुत पैसे कमाने तो उसने मुझे डांटा भी कि बेटा ये कोई पाकिस्तान नहीं बहुत सख्ती होती है यहाँ पर सऊदिया है कपिल है बहुत सारे सिस्टम है मैंने कहा भाई कुछ भी हो कह रहे बेटा तेरा काम तो चल रहा है आपसे किसी ने क्या मांगा है मैंने कहा नहीं हमने घर अपना बनाना यार ज़मीन लेनी है और पाँच छः साल बाद हम इंशाल्लाह शादी करेंगे ये इस तरह तो नहीं है भाई नहीं माने फिर मैंने मम्मा को बोला कि अगर भाई वीज़ा नहीं भेज रहे तो मैं कराची भाग जाऊंगा और फिर किसी ने मेरे से पूछना नहीं कि तू क्यों मैं किसी से रबा नहीं करूंगा तो अम्मी को पता था कि बच्चा तो ज़िद्दी है तो उसने भाई को बोला कि बेटा कहाँ तो बस आप उधर हो ना तो मुझे परवाह नहीं है बस आपका भाई आता है उधर तो मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया और भाई ने मेरे लिए वीज़ा लिया जब वीज़ा लिया तो उसके बाद वो स्टोरी आपके साथ शेयर की कि किस तरह मैं फ़ोटोग्राफर से फिर ग्राफिक डिज़ाइनर मार्केटिंग और दो तीन साल मैंने वहाँ पे रहा एज अ फोटोग्राफ़र से मैं मार्केटिंग मैनेजर तक वहाँ पर गया था घर आके जब घर आए तीन साल बाद वो जॉइंट फैमिली को नईम भाई उसके साथ हमने एक ज़मीन ली थी उसके ज़मीन पे हमने घर भी बनाया था तीन साल में अल्हदल्ला और हम दोनों भाई आए शादियाँ की और फिर वापस चले गए सर आप जब जीएम की पोस्ट तक पहुँचे आपकी स्ट्रगल हमने देखी अर्ली लाइफ में जब आप बच्चे भी थे तो आप में वो लगन थी आप में वो आँख थी कुछ करने की फिर जब आप गुस्से कारोबार में और जब आप इवन बाहर गए ऐसा क्या हुआ जीएम बनने के बाद उस कंपनी का जबकि आपको अल्लाह ने माशाल्लाह ऐसे महीनों पे भी पहुंचे जहां पे आप तीस हज़ार रियाल महाना कमा रहे हो ऐसा क्या हुआ उस वक़्त अच्छा उस वक़्त मैं देख रहा था कि आप लोगों की ये जो मुसाफिर लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं और जिस हार्डशिप से वो गुजर रहे हैं उनकी स्टोरियाँ भी कुछ कवर कर रहे थे ऐसा क्या हुआ ऐसा क्या आपके दिल को क्लिक किया कि आप वहाँ से काम वाम छोड़ कर पाकिस्तान आ गए तो थोड़ा इस पर रोशनी डालिए ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल जितना ये बचपन के गुर्बत और ये चीज़ों ने मुझे मारा है ना इतना शायद मुझे तकलीफ नहीं पहुँचा जितना मुझे इस चीज़ ने है लोगों की बिहेवियर ने लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखने लगा यार मैंने कहा यह दुनिया है अगर आपने आगे जाना है आपने अच्छाई करनी है तो इन चीज़ों को आपने फ़ेस करना होगा मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ जब मैं जी बन गया पच्चीस से तीस हज़ार में कमाई करता था मेरे पास अपनी गाड़ी थी बच्चे उधर थे वीकेंड पे कभी हम रियाज जाते थे कभी हम मक्का मदीना जाते थे एक बहुत अच्छी लाइफ मेरी वहाँ पे अलमदिल्ला सेटल हो चुकी थी मैं बचपन से इस तरह बनना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ अभी आप मेरे साथ बैठे हो तो मैं जिसके साथ मैं उठता बैठता हूँ ना वो मैं अपनी भाई की तरह मैं समझ लेता हूँ कि यार ये मेरा मुसलमान भाई है तो मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा नज़दीक से फ़ील करता हूँ एक दिन मैं गया ऑफिस एक बच्चे की वीडियो मेरे सामने आई और वो चीख चीख के रो रहा है कि यार मैं कहीं सालों से इधर पढ़ा हूँ मदीने के हॉस्पिटल में कोई नहीं है इमरान ख़ान का नाम परवेज़ खटक उस वक्त सीएम थे जितने बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे उनका नाम ले रहा था कि खुदा का खौफ करो मुझे इस जहन्नुम से निकालो मेरी माँ है मेरी बहनें हैं मेरा घर है मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गया हूँ कोई मसीहा आ जाए कि मेरे हेल्प करे वो बच्चा मुझे नहीं जानता था और ना उसने मुझे आवाज़ दी थी जितनी आवाज़ उसने लोगों को दी थी ना किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी अच्छा उस बच्चे की वीडियो में देख के ना ऑफिस में ज़ोर कतार से रोने लगा उस बच्चे को मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था लेकिन उसने उम्र बताई कि मैं मेरी उम्र है बाईस तेईस साल तो मेरा बाईस तेईस साल का छोटा भाई है तो मैं सोचने लगा यार कि अगर इस वीडियो को मैं स्किप करूं अगर इसकी जगह मेरा अपना भाई होता और ये चीखे मारता तो क्या मैं अपनी भाई की वीडियो को इग्नोर करता स्किप करता मैंने कहा नहीं यार मैं उसको उसको कॉल करता कि मेरे भाई को क्या प्रॉब्लम है और मैं सीधा जाता मदीना मुनवरा वही मैंने किया मैंने जिस बंदे ने वीडियो की थी उसके साथ रबता कि मैंने कहा यार बच्चे का प्रॉब्लम क्या है उसने कहा सर एक साल पहले इसने एक्सीडेंट किया था तीन बंदे इनके हाथ से मरे हैं दो इंडियन एक पाकिस्तानी एक इंडियन एक पाकिस्तानी ने इसको माफ़ किया तीसरा इंडियन इसको माफ़ नहीं कर रहा वो पैसे मांग रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है और तब तक ये पाकिस्तान नहीं जा सका जब तक वो इंडियन इसको माफ़ ना करें तो मैंने लोकेशन ली और ऑनलाइन में बैठा हुआ था मैंने प्लेन के टिकट बुक कराई और मैं मदीना मनोवरा रवाना हुआ अच्छा जी उस वक्त कंपनी के हालात थोड़े से टाइट थे सऊदी और यमन की लड़ाई हो रही थी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन थे तो मुझ पर एज अ जी बहुत ज़्यादा प्रेशर था अपने ऑनर की तरफ से और उसको पता भी था कि यार मुल्क के हालात ख़राब हैं तो लेकिन फिर भी एज ए जनरल मैनेजर आप पे होती हैं प्रेशर क्योंकि खर्चे हैं लड़कों को सैलरीज देने होते हैं आपकी अपनी इतनी अच्छी पैकेज होती है जब मैं एयरपोर्ट पहुंच गया तो मेरे बॉस को ऑनर को पता चला एंड ही कॉल मी ही से ताहिर वेर यू गोइंग एंड आई टोल आई एम गोइंग टू मदीना मनोवर आई वॉन्ट टू हेल्प माई कज़न ही हैड एन एक्सीडेंट तो उसने कहा कि आपको पता है कि कंपनी के क्या हालात है आपने लेटर भी नहीं लिखा एप्लीकेशन भी नहीं लिखा मुझे इतमाद में नहीं लिया आप किस तरह जा सकते हो मैंने कहा सर आई नीड थ्री डेज़ ल कम बैक तो वो सऊदी लोग होते इस तरह है मेजोरिटी नहीं कुछ इस तरह है आठ साल में उसके साथ काम किया और एक ही मिनट में वो चेंज हो गया इफ़ यू नीड योर जॉब इफ़ यू नीड योर कैरियर यू हैव टू कम बैक राइट नाउ अदरवाइज यू आर फायर स्ट्रेट उसने ये कह दिया अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने इस कंपनी के लिए क्या किया है मैंने खून पसीना एक करके आठ साल मैंने मेहनत की और ये किस तरह मुझे बात करा वहाँ पर ये एक साल फिर मैं ख़ुद पे काम कर रहा था मोटिवेशन चीज़ें मैं सुन रहा था पढ़ रहा था ईमान मज़बूत करने की चीज़ें मैं पढ़ रहा था कि यार इंसान से नहीं होता जो होता है अल्लाह से होता है तो वो चीज़ों ने मुझे बहुत स्ट्रांग किया था अब मेरी इतनी अच्छी करियर में घर का वाद बनता था कि मैं घर का खर्चा चला रहा था मेरे बड़े भाई जो थे उसका वीज़ा ख़राब हुआ था वो पाकिस्तान थे वो जॉबलेस थे मेरे छोटे भाई भी जॉबलेस थे अब बिज़नेस शुरू किया था वो ट्रक ड्राइवर के जोड़ के उसने बिज़नेस शुरू किया मैं घर का अकेला बनना था कि मैं सत्तर अस्सी हज़ार रुपये बेचता था घर का खर्चा चलाता था तो जब उसने ये बात की ना कि यू आर फायर्ड अगर आप नहीं आए तो यूर फायर मैंने कहा सर अरबी मैंने कहा कि राजिक अल्लाह इन तमो राजिक कि मेरा राजिक अल्लाह यार आप तो नहीं हो आई होम फायर्ड ओके इट्स फाइन और उसने मैं प्लेन में बैठा था और वो जब टेक ऑफ करा तो सिग्नल ड्रॉप हो गए तो उसका ये मकसद था कि तायर ने मेरे मुंह पे मोबाइल बन किया लेकिन वो सिग्नल ड्रॉप हो गए मैं गया मदीना बच्चे से जाके मिला उसके दोस्तों से जाके मिला मैंने कहा यार वो इंडियन से मिलवाओ वो इंडियन के पास चला गया तो इंडियन ने कहा कि यार जिसकी वो मेरे भाभी है वो पैसे मांग रही है मेरा भाई तो फो हो च गया वो बीस हज़ार रियाल मांग रहे अब मैंने कहा बीस हज़ार तो मेरे पास सोशल मीडिया पे लोग जुड़े थे मैंने वीडियो की उसके दोस्तों के नंबर मैंने डाले कि भाई इनके ये दोस्त हैं कैन लिंक के साथ रबता करें ये हमने डोनेशन इकट्ठा करनी है और इसको देने ताकि बच्चे को हम आज़ाद करें ये पाकिस्तान जाए एक अंकल आए फजल उनका नाम था जद्दा से फ्लाइट पकड़ के बीस हज़ार रियाल वो अकेले ख़ुद लेके आए कह रहे बेटा मैंने आपकी वीडियो देखी इस बच्चे की फ़रियाद देखी पैसे ले इंडियन को दे मैंने कहा नहीं सर आप मेरे साथ आए वो हमारे साथ गए वो एक कंपनी में काम करते थे इंडियन उसको बीस हज़ार यार पकड़ाए उसे माफ़ीनामा लिया हॉस्पिटल गए एक ख़ुशी का समा था उस मुझे अभी भी याद है कि वो टेन थाउजेंड प्लस हमारे लाइव व्यूवरशिप फेसबुक पे जा रही थी जब हम हॉस्पिटल वहाँ पे पहुँचे क्योंकि पूरी पाकिस्तान को पुख्तून जितने भी लोग हैं वो उन चीज़ को फॉलो कर रहे थे और हमने बहुत खुशी का इजहार किया अच्छा जब वो माफ़ी नामा मेरे हाथ में लगा ना उधर कंपनी से कॉल आया कि ताहर वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है पासपोर्ट आप आके ले लो और आप जा सकते हो एक हाथ में माफ़ी नामा है हॉस्पिटल में था मैं और यहाँ से हमारी कंपनी के वकील के कॉल आ गई कि भाई आपका सब कुछ ख़त्म अच्छा आप यकीन माने नहीं भाई कि एक बंदा जितनी गुर्बत से एक बंदा इतनी ऊपर पे गया है और इतनी स्ट्रगल करके गया है जब उसको खबर मिलती है कि भाई आपकी जॉब चलेगी आप पाकिस्तान वापस जा सकते हो खुदा की कसम उस वक्त मैं रोने लगा मेरे आंखों में आंसू थे और ख़ुशी के आंसू थे मैंने कहा यार रिजक तो अल्लाह देगा मैंने जो काम किया ये मेरी ज़िंदगी लेके काफ़ी है एक बच्चे को मैंने कैसे रिहा किया है अच्छा दूसरे दिन में जद्दा या साइन वगैरह की जितने भी मेरे पैसे बनते थे कमीशन वगैरह मुझे हाथ में पकड़ाए एंड आई केम बैक टू पाकिस्तान मुझे बहुत खुशी थी कि बच्चे की ज़िंदगी हमने बचाई जब वो पेपर गए डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट में तो उसने कहा नहीं इसमें साइन ज़रूरी है इंडिया में जो बाबी है जिसका शोहर फोत हो चुका है वो यहाँ साइन करेगी तो ये बच्चा जा सकेगा अच्छा जी वो थोड़ा सा केस डिले हुआ वो पेपर हमने भेजे इंडिया तो जब इंडिया भेजे तो उस लड़की ने वो कागजात पाल दिए कह रहे मैं चाहती नहीं कि ये जिंदा बच जाइए जो दरिंदा इसने मेरे शोहर को मारा है वो तो एक्सीडेंट था वो नहीं मानती थी और उसका अभी भी मुझे वो वॉइस मैसेज याद है कि मैं चाहता हूँ कि कुत्ते इसकी हड्डियाँ काट और ये तड़प तड़प के मरता रहे ये पाकिस्तान ना जाए हमने रिक्वेस्ट की कि यार ये ह्यूमन है उसने तो कथन नहीं एक्सीडेंट में हुआ है वो नहीं मानी अच्छा जी ये सऊदीया की तारीख में पहली बार मुझे एक साल लगा उस बच्चे को निकालने में सऊदीया की तारीख में पहली बार मैं पार्लियामेंट में आया मुराद सईद से मिला मोहम्मद अली मोहम्मद से मिला इन लोगों के साथ काफ़ी हीटेड कन्वर्सेशन भी मेरी हुई कि अगर ये बच्चा मर गया तो मैंने किसी को नहीं छोड़ना आप लोगों की रिस्पॉसिबिलिटी उनकी माँ बाप सब वेट कर रहे यार अगर वो माफ़ नहीं कर रही तो क्या वो मर जाएगा उधर एक साल के स्ट्रगल के बाद ये सौदिया की तारीख़ में आप कहीं भी उठा ले जो किसी को माफ़ी नहीं मिलती ना वो कोई भी पाकिस्तान के नहीं ले आ सकता और अल्लाह का शुक्र है कि वो हम दिन रात हमने कभी किसी को इतने पैसे दे कि कभी किसी को इतने पैसे दे उस बच्चे को एक साल बाद हमने पाकिस्तान लाया वो खुशी का दिन वो व्लाग पढ़े हुए वो हमने बनाए थे जब वो पाकिस्तान आए तो वो अलहमद अभी भी मैं फ्रॉड फील करता हूँ और उसकी अम्मी ने मुझे हाथ पकड़ के कहा कि बेटा हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते मैंने उसका कहा कि अम्मी ये मैंने आपके लिए नहीं किया है ये मैंने अपने रब की रज़ा के लिए किया है ये चीज़ें मैंने अपने रब के ख़जानों में रख के किया है अच्छा मुझे क्या पता था कि ताहिर तू जिस सोसाइटी के लिए काम कर रहा है जिन लोगों के लिए काम कर रहा है लोगों का तो ये था कि लोगों के लिए कर रहा है ना मेरा तो ईमान अल्लाह अल्लाप बहुत पक्का था मैं जब सऊदिया से आया मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ मैंने अबू को नहीं बताया था ये टू की बात है मैंने अब्बू को नहीं बताया था कि मेरा वीज़ा ख़त्म हुआ है मैंने सिर्फ बड़े भाई को बताया था और अम्मी को बताया था अब्बू को क्यों नहीं बताया था नीम भाई अब्बू को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे दोनों भाई जॉबलेस थे और मैं अकेला बेटा था उसका कमाने वाला मैंने कहा कर अबू को मैं बताऊं कि अबू मेरा वीज़ा ख़त्म किया है तो यार मेरे पचपन साठ साल के अबू हैं उनके दिल पे क्या भी थे यार मेरे तीन तीनों बेटे हैं तीनों की शादी हुई तीनों बेरोज़गार घूम रहे तो मैंने कहा अबू मेरी छुट्टी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मिली क्योंकि मैं कंपनी में था तो बीस इक्कीस दिन की छुट्टी मिलती थी तो मैंने अब कहा कि अबू इस बार मुझे छुट्टी छः महीने की मिली तो उसने कहा बेटा ये तो कोई ज़्यादा छुट्टी नहीं है वो अबू खुश हो गए मैंने कहा अब हालात थोड़े से टाइट है तो कपिल ने कहा कि जाओ छः महीने की छुट्टी गुजारो अबू कह रहा बहुत अच्छा हुआ बेटा आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पर गुजार लें अच्छा जी तीसरे दिन तीसरे दिन में निकल पड़ा एक दोस्त थे अजम खान उसकी ट्रेवल एजेंसी थी उसने ये सारी एक्टिविटीज़ मेरी फेसबुक पर देखी थी और उसने कहा कि यार ये जो काम आपने किया ये कमाल किया है तो आप काम का टेंशन ना लो जब पाकिस्तान आओ तो मेरा ऑफिस आना मैं आपको चीज़ें सिखा देता हूँ टू की मैं बात कर रहा हूँ अच्छा नहीं भाई मैं तीसरे दिन लोग आते हैं ना सऊदिया से तो चेचे महीने घर में आराम से बैठ के वो तकिया देखवा के दाखवा के दवा वतरु लगाओ लगो लगाओ मेलमाना लाड़ा रला वो मैंने नहीं किया तीसरे दिन मेहमान घर में बैठे थे मैं गया अपने दोस्त के पास अजम खान मैंने कहा लाला मैं आ गया उसने कहा आ जाओ उसके साथ बैठा उससे मैंने चीज़ें सीखना शुरू की कि भाई टिकट किस तरह बुक करते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं पीआई की टिकट को किस तरह पकड़ना है उम्र की डीलिंग किस तरह करनी है उम्र आपने किस तरह कस्टमर को बताना है तीसरे दिन मैंने उसके साथ एक महीना काम किया मैं उस दोस्त का एहसान अभी तक नहीं भूलता उसने मुझे जितना हेल्प किया पाकिस्तान में अपना करियर बिल्ड करने में शायद किसी ने ना किया कियाज़म खान के साथ मैंने एक महीने काम किया और उसके साथ एक दुकान खाली था उसने कहा ताहिर इस तरह करते आपके बहुत फैन फॉलोइंग भी बने हैं तो यहाँ पे आपका एक बोर्ड लगाते हैं ताहिर इंटरनेशनल ट्रेवल्स और अगर आप उधर बैठ जाओ अगर कोई भी हेल्प हो तो मैं आपके साथ करूँगा तो उसने कहा पैसे कितने आपके पास मैं सऊदिया से जब आ रहा था मेरे साथ सात लाख रुपए थे वो कमीशन वगैरह सैलरीज जमा करके ना घर के खर्चे भी चलाता था और इतनी सेविंग मेरे छः सात महीनों में हुई थी तो उसने कहा यार छः सात लाख में तो ऑफ़िस का वो डेकोरेशन नहीं होता इसमें तो आईडीज होती हैं पचास लाख एक करोड़ की तो ये क्या करोगे तो मैंने कहा यार वजम मुझे तो पता नहीं उसने कहा चलो इस तरह करते हैं ये पाँच छः लाख जो आपके पास है ना आपके ऑफिस पे लगाते हैं और आपके कंप्यूटर में मैं अपनी आईडी डी डालूंगा उसके जितने पी आई ए के एयर ब्लू के आई डी थे अभी भी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन है अभी भी मेरे सिस्टम मेरे दो ऑफिस हैं एक देर में और एक बटखेला में अभी भी मेरे सिस्टम में आजम खान की आई डीज़ हैं उसने अपनी आई डीज डाले मेरे कंप्यूटर पर और उसने कहा जब भी आपके पास कस्टमर आए और अगर आप डील नहीं कर सकते मुझे थोड़ा सा एक मिस बिल करें क्योंकि साथ में उसका ऑफिस था अच्छा वो दोस्त जब एक कस्टमर आता था और मुझे इतना वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था तो मैं उसको कॉल करता था कि भैया यार आके कस्टमर को थोड़ा हैंडल कर ले तो वो इज वो एम्प्लॉई आके वो कस्टमर कह मैं ताहिर खान के ऑफिस में काम करता हूँ ये मेरे बॉस हैं और वो एम्प्लॉई के ज़रिए वो कस्टमर को डील करता था पैसे वो कस्टमर से जब हम लेते थे तो मेरे कह रहे ताहिर रह मैं बहुत खुश हूँ यार आपका काम चल पड़ा मेरे फ़ैन थे तो कलम से पिशावर से चरसद्दा से लोग आने लगे उमरा लगवाने लगे और इतना हमने वो एक महीने में कमाए जो सऊदिया में मैं कमा था वो बहुत ज़्यादा था दो तीन महीने में, में वो हुआ कि घर का खर्चा जो था वो अलहमदिल्ला बाहर से आने लगा अच्छा अब अल्लाह का करना देख मेरे फेसबुक पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर बने थे यूट्यूब से किसी ने कहा कि यार इससे बहुत अच्छी खासी इनकम होती है तो मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं तो एक हमारे स्थानक जय साहब अफगानिस्तान के समयुल्ला स्थानक जय उसका नाम मैं लेना चाहता हूँ उसने काफ़ी हेल्प किया यूट्यूब में वो आने लगा उसने वो चीज़ें एड्स एंड वगैरह ख़रीद के वो लिंक किया और एक महीने बाद यूट्यूब कारनिंग शुरू हुई जब पाकिस्तान में आए अब ये चीज़ें अब नहीं भाई ज़रा देखें जो काम मैंने किया था वो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया था अब अल्लाह की रज़ा के लिए आप काम करते हो तो अल्लाह सुबह तला आपको अकेला तो नहीं छोड़ता यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट हुआ एक महीने बाद मैं 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 मज़े एम्प्लॉई सऊदिया में काम करता था यहाँ पर अलहमदिल्ला अपना छोटा सा बिज़नेस शुरू हुआ अच्छा जेब खर्च घर का खर्चा तो चला सकता था मेरे अपने जेब खर्च का प्रॉब्लम था यहाँ से अल्लाह सुबहाना तैाली ने मेरी यूट्यूब की अर्निंग शुरू की पहले महीने में मुझे सोलह हज़ार यूट्यूब से इनकम मिली भाई ने इस तरह किया कि भाई के पास दोस्त के पैसे थे तो एक पुरानी गाड़ी हमने चौरानवे मॉडल ली कह रहे बेटा आपके आना जाना होता है तो वो दोस्त को फिर पैसे कमा के हम दे देंगे मैंने कहा चले ठीक है भाई इस वक्त भी मैंने बड़े भाई को भी ऑफिस बुलाया मैंने कहा भाई आपका ऑफिस है छोटे भाई को भी बिठाया मैंने कहा आप लोग काम करें आप लोग मैंने भाइयों को सिखाया कि ये इस तरह होता है और आज़म ख़ान भी साथ हेल्प करता रहा और वो यूट्यूब की इनकम शुरू हुई तो सोलह हज़ार से पचास हज़ार एक लाख और मुझे अभी भी याद है कि ऐसा महीना आया था टू में कि मैंने पाँच छः लाख भी यूट्यूब से एक महीने के कमाए थे और उन पैसों से मैंने वो गाड़ी अपग्रेड कर ली एक नई मॉडल ली टू थाउजेंड तू, तू, फिर उसके बाद मैंने नंबर ही गाड़ी ली पशावर का एक नंबर था एक्से एक्सल आई गाड़ी मैंने ली यूट्यूब के इनकम से यूट्यूब के जब इनकम आता था तो मैंने भाइयों को बोला कि यार ऑफ़िस संभालो क्योंकि फैंस बहुत ज़्यादा आते थे तो काम वो करने नहीं देते वो उनका मोहब्बत था तो मैंने भाइयों को बोला कि आप ऑफिस संभालो मुझे अपना काम करने दो मुझे इस काम में मजा है मैं जिधर जाता हूँ लोगों की हेल्प करता हूँ सोशल एक्टिविटीज़ मैंने शुरू की और जितने पैसे मैं यूट्यूब से कमाता था उसमें मैंने अल्लाह को हिस्सेदार बनाया था मैंने कभी ये नहीं कि अब हमारी टीम है लोगों के डोनेशन आते हैं तो यार हाँ इस पे से हमने सैलरीज निकालनी वो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया अलहमद अपनी यूट्यूब के इनकम से गाड़ी में पेट्रोल डालते थे जिधर भी किसी के मैसेज आते थे हम वहाँ पर जाते थे हमने वेल प्रोजेक्ट शुरू किए उस दिन भी आपसे एक स्टोरी शेयर की थी कि हमारे माई बहनें दूर दूर से पानी लाते थे हमने वेल प्रोजेक्ट अपनी मदद आपके तहत हम जाते थे लोगों को मिन्नत करते कि यार प्लाकुआ है अगर आप हमारे साथ हेल्प करो इन लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी वो काम हमने शुरू किया और यूट्यूब के इनकम में अपनी ज़िंदगी पे लगाने लगा लोग हेल्प करने सोसाइटी में जो लोग थे अब इन चीज़ों से मैं ना वाकिफ़ था मेरे घर में अलहदिल्ला मेरी एक बड़ी बहन है वो आलिम है मेरा एक भाई है वो आलिम है हमारे घर में बहुत रिलीजियस फैमिली है तो लोगों के जो फिर एक साल बाद जो बच्चे को लेकर आया वहाँ से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बनने लगे जो हेटर्स थे उनको पता चला कि यार ये तो अभी का बच्चा सोशल मीडिया पे आए और ये नाम कर गया तो अभी भी मुझे याद है कि मेरे ख़िलाफ़ व्हाट्सअप ग्रुप बनाए गए बारह तेरह तेरह बंदे और उसमें सिर्फ ये उनका मिशन था कि ताहिर खान को कैसे नीचे गिराए अब उन बेवकूफ़ों को पता नहीं कि यार नीचे गिराना ऊपर लेके जाना परवरदिगार का काम है मेरा तो ईमान इस चीज़ पर यार अल्लाह सुबहान तौ कुरान में ख़ुद परमाता है कि यार इज्जत और जिल्लत देने वाला मैं हूँ अच्छा हम जो हमारे कम इलम है कम सोचे हम क्या कहते हैं कि हाँ यार नहीं भाई और तायर भाई यहाँ पे बैठ के ना किसी की लेग पुलिंग करे किसी के बारे में बुरा भला कहे तो वो प्ला के वो इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी ये हमारी बेवकूफ़ी है वो जिस चीज़ का रब ने वादा किया मेरे भाई वो इंसान आपसे ना ले सकता है ना दे सकता है तो वो मेरे खिलाफ़ एक ग्रुप बन गए और अजीब अजीब किस्म के पुरपेंडे सुनने को मिले मुझे अभी भी याद है अब पर्सनल अटैक अगजा क्रिटिसिज्म होता है ना पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आप उसे सीख लेते हो लेकिन बाज़ लोग हसद में वो इतने अंधे हो जाते को आप पर्सनल अटैक करने लगते हैं मुझे अभी भी याद है कि एक बंदे ने मेरे फैमिली को गाली दी थी और मैं चीज़ें देखता नहीं मैं हाइट करता था जब मेरे सामने आती थी ना कोई सेंड करता था, तो मैं दोस्त को ज़बरदस्ती वो थोड़ा सा जोर भी करता कि यार मुझे ये नगेटिव चीज़ें ना सेंड करें मैंने देखने जिसने जो कहना है जो बोलना है बोलने दो मैंने अपना काम करना है यार मुझे अपने काम से लगन है एक रात मुझे अभी भी याद है कि मेरी फैमिली को एक बेवकूफ़ सॉरी बेवकूफ़ नहीं कर कहना चाहिए एक ला इलम कि हम कौन है किसी को, को बेवकूफ़ कहे एक ला इलम बंदा था उसको किसी ने पैसे पकड़वाए थे कि भाई इसको फैमिली को गाली दो उसने मेरे फैमिली को यार मेरे अब्बू को हम सब फैमिली को गालियाँ दी थी मैं चाहता तो एफ़ को रिपोर्ट करके उस बंदे को आगे दिन अगले दिन में उसको बंद करवाता नहीं किया मैंने अल्लाह की ज़ात पर छोड़ा मैंने कहा अल्लाह वो जब हिसाब लेता है ना वो फिर मुझे दिखाता भी और दुनिया को भी दिखाता है मेरे अबू न्यूज़ देखते हैं शाम में कंप्यूटर एक स्क्रीन के पास पड़ा था गांव गांव में तो वो स्क्रोलिंग कर रहा था तो वो वीडियो उसके सामने आई ये रात के डेढ़ बजे मैं वैसे निकला कमरे से अब अबू को देख रहा हूँ तो अबू स्क्रीन के सामने यूँ कड़े और वो वीडियो वो देख रहे जिसमें वो बंदा गालियाँ दे रहा है अबू को और मुझको अच्छा अब्बू के आंखों में आंसू है मैं बाहर खड़ा हूँ सहन में अबू को देख रहा हूँ उस वीडियो को देख रहा हूँ मैं इतना रोया ना नहीं भाई मैंने कहा यार तू कर क्या रहा है ये लोग कर क्या रहे अच्छा वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिली मैंने कहा यार लोगों के लिए तो तू तो नहीं कर रहा तो, तो रब के लिए कर रहा अच्छा अबू ने कभी अभी भी अबू ने कभी मुझे नहीं बताया कि बेटा ये ला बंदे ने गाली ना मेरे भाइयों ने बताया उनको पता कि मेरा भाई मेरा बेटा किस ट्रैक पर है उन चीज़ों से मुझे और मोटिवेशन मिलने लगी मैं और काम करने लगा 2020 की बात है कोविड आया बिज़नेस मेरा पीक पे चल रहा था मैंने एक और ऑफ़िस खोला थे मरघरा में बहुत अच्छी कमाई हो रही थी मेरे अम्मी अबू भाई भाभी सब गए उम्र पे एक बहुत अच्छा सेटअप बनने लगा कोविड आया कोविड आया नहीं भाई सब कुछ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को जो हिट हाँ। पड़ी शायद ही किसी दूसरी इंडस्ट्री को इतनी हिट पड़ी होगी यस अच्छा जी यहाँ पे फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है चैलेंजेस और कुदरत भी मेरे साथ वो गेम खेलता है मुझे अच्छा लगता है मुझे सीखने को मिलता है यार अच्छा जी वो बिज़नेस हमारा एकदम डाउन यूट्यूब पे पता नहीं क्या हुआ यूट्यूब की व्यवरशिप डाउन अच्छा मैंने काम नहीं छोड़ा अपना कोविड में हमारे मोहल्ले में तकरीबन तीन चार सौ से ज़्यादा करते मैंने अहद किया और सारे वो मज़दूर लगते मैंने अहद किया कि यार मैं तब तक आराम से नहीं बैठूँगा जब तक मैं सारा राशन इन घरों को ना पहुंचा एक एक घर को मैंने तो राशन लाजमी देना है मैंने स्टार्ट किया कभी एक दोस्त से आप जैसे दोस्त एक को मिन्नत समाजत करके दूसरे को इटली में यूके में यूएसए में कनेक्शन बने चार पाँच साल है अल्लाह के वली लोग हैं यार तो उनको मैंने कहा कि यार मेरे गांव के लोग हैं उन लोगों ने डोनेशन की हमने जाके आटे और जो वो राशन होता है ना एक एक घर में तकरीबन तीन महीने हमने एक घर भी नहीं छोड़ा अल्लाह की शुक्र से अपने मोहल्ले पर काम ख़त्म करके पर ये जो लोग तंबू में नहीं रहते होमलेस लोग क्रिशन भी थे उसमें किसी दोस्त ने कहा यार ये तो मैंटैलिटी लोगी ना यार ये तो मुस्लिम नहीं है मैंने कहा यार कुरान में अल्लाह ताला अल्ला जब फरमाते ना या अयुह नास बंदे तो है ना यार अल्लाह के बंदे तो ये तो हमारा ही इम्तहान है अगर मुस्लिम नहीं है तो उनके बच्चे नहीं है यार खाना नहीं खाते मैंने उनको कन्विंस किया कि हमने जाना है हमने यार कलर रिलीजस इन चीज़ों को नहीं देखना हमने जाके हेल्प करनी है, हमारा रब हमसे राज़ी होगा और हम फिर उसमें भिड़ गए और हमने राशन डिलीवरी शुरू की और कभी एडमिनिस्ट्रेशन से झगड़ा क्योंकि वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट गाड़ियाँ नहीं पहुँचाती थी वो जब डोनेशन लोग आते थे पेशावर से मेरे दोस्त आते थे वो राशन लेके आते थे तो वो आने नहीं देते थे फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन लोगों के लिए झगड़ा करना फिर उनको क्लियर करवाना बहुत मुश्किल से हमने वो राशन पहुँचाए मेरे दो तीन दोस्त मेरे कज़न कह रहे यार ये तो ठीक है आप कर रहे हो अपने बारे में सोचो ये तो आपकी बिज़नेस डाउ आपका बहुत बड़ा नाम है लोग आपको जानते हैं आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हो और ये 2020 की बात है एक साल पहले मैंने क्या कहा मैंने कहा भाई हम जिसके लिए काम कर रहे हैं ना वो है हमारे सोचने के लिए यार अगर हम ये काम ख़ुद के लिए करते ना फिर हमें टेंशन होनी चाहिए सोचना भी चाहिए ये वो अल्लाह ने ख़ुद वादा किया है कि अगर आप मेरे साथ भलाई करना चाहते हो आप मेरे गरीब मस्किन ज़रूरतमंद लोगों के साथ भलाई करो ये भलाई मेरे साथ है मैंने कहा यार हम कर रहे हैं ना अल्लाह के साथ और अल्लाह को नहीं भाई मेरे और आपकी भलाई की ज़रूरत क्या है वो तो बेनियास कन फकुन बाचा है वो तो जो कहता है वो होता है ये हम जैसे कमज़ोर नालायक बंदों को अल्लाह ने ऑफ़र दिए है कि यार अगर मेरे साथ भलाई करना चाहते हो सुबहान अल्लाह कितनी बड़ी बात है तो मैं उन दोस्तों को यही समझा कि यार अल्लाह सुबहान तला है करेगा कुछ ना कुछ हमारे लिए हमें इस तरह नहीं छोड़ेगा उसके साथ मैंने सोचा कि हाँ रेस्टोरेंट का मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था पाँच छः सालों से कि यार मैं कुछ कर सकूँ सा, सऊदिया में मैं जब था तो डिफरेंट रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाना मुझे अच्छा लगता था दोस्त आते थे गैदरिंग हुआ करती थी तो मेरा बहुत अच्छा ड्रीम था कि मैं रेस्टोरेंट बिल्ड कर नहीं लेकिन रेस्टोरेंट के लिए आपको एक बिजनेस चाहिए आपको याद है आपने स्टार्ट में एक बात कही वो वहाँ पर आपको एक अपने भाई ले जाया करते थे खाना के लिए अनूर रेस्टोरेंट राइट तो वहाँ पर तो आपकी आपको वेटरी की जॉब भी नहीं मिली आपने तो सऊदी में रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया लेकिन सही आपकी एक सोच थी आपकी एक चाह थी आपकी एक ख्वाहिश शौक था मेरा नहीं शौक़ था कि यार एक रेस्टोरेंट भी होना चाहिए हाँ। तो आपने जो जो ताहिर ख़ान रेस्टोरेंट की जो जो एक स्ट्रगल है आपको पता भी नहीं है ना आपको पता है कि यार कौन सी चीज़ बिकनी है नहीं बिकनी बिकॉज़ पाकिस्तानी क्विजीन अफगानी क्वजीन फिर हमारा अपना पश्तून का क्विजीन तो एक्सपीरियंस नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में जानते भी नहीं है रेविलेवेंट लोगों का पता भी नहीं है और आपने खान रेस्टोरेंट शुरू कर दिया सिर्फ इस वजह से कि मेरी फैन फॉलोइंग है अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन वो जो कोविड का इशू था तो मैंने कहा कि हाँ यार अल्लाह तो हमारे बारे में सोच रहे लेकिन इंसान ने खुद भी कुछ करना है अल्लाह तब आपके लिए हेल्प करेगा जब आप कदम लेते हो आप चारपाई में बैठ के आराम से कहा बस अल्लाह सब हेल्प करेगा कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं मैं उस बंदे को उतना नवाजता हूँ जितना वो मेहनत करता है अच्छा मेरे पास सिर्फ जो बैंक बैलेंस था मेरे ख्याल में वो साठ सत्तर हज़ार से लेकर एक लाख और मेरे साथ गाड़ी थी बारह लाख की अब जी मैंने रेस्टोरेंट खोलना है ये बात ज़रा सुने तो मैंने कहा यार इस तरह करते हैं गाड़ी को मैं सेल आउट करता हूँ ठीक है बारह लाख इससे मिल जाएंगे मैं रशके में आता जाता हूँ कोई इशू नहीं गाड़ी हो या ना हो स्ट्रगल करना है वहाँ पर एक दुकान मैंने बटखेला में ढूँढी कि हाँ यहाँ पर मैंने स्टार्ट करें बंदे से बात भी हुई उसने कहा एक लाख कराया है मैंने कहा चले ठीक है मैंने और दोस्तों से पैसे इकट्ठा करके मैंने एक रेस्टोरेंट खोल लाए और मैंने बिसमिल्ला करना था बात भी हुई थी हमारे इतने में इस्लामाबाद से एक दोस्त की कॉल आई कह रहे आप ताहिर खान खानो मैंने कहा जी कह रहे यार आपसे एक जगह पर मुलाकात हुई थी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आपके सोशल काम मुझे बहुत पसंद है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ मैंने कहा जी सर कह रहे कल आ सकते हो मैंने कहा जी बिल्कुल आ सकता हूँ बारेक बंदा था मैं कल आया इस्लामाबाद उससे मिला कह रहा है आपके जो वेल प्रोजेक्ट है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे तो कहेंड आप मेरे नाम पे पांच पाँचे कुएं को दे लेकिन किसी को मेरा नाम नहीं बताना मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जब लोग दूसरों के लिए करते थे ना मुझे पता है कि यार लोग कितना नीडी है तो मुझे बहुत मैंने कहा काम हो या उसने कहा काम क्या कर रहे हो मैंने कहा यार वो बिजनेस था ट्रेवल एजेंसी का वो तो डाउन हो गया अब मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूँ बटखेला में एक बंदे से बात हुई तो उसने कहा जगह दिखाओ मैंने वो दुकान यार ये तो बहुत छोटी जगह है आपके लिए मैंने कहा जी बस इतना हाथ में कुछ है नहीं यहाँ से स्टार्ट करना है उसने कहा यार मेरे यहाँ पे दो तीन प्लाजे हैं अगर आप मेरे साथ विजिट करना चाहते हैं मैं आपको जगह दिखा देता हूँ तो अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ स्टार्ट कर ले, लेकिन वो बंदा आ, कपड़े का, का काम करता था चाइना में पच्चीस सालों से तो उसने मुझे कन्वेंस किया अगर हम कपड़े का बिजनेस शुरू करें मेरा फैसलाबाद में भी यूनिट बन रहा है चाइना भी मेरा काम है तो अगर हम यहाँ पे कपड़े का, का काम करें तो मैंने कहा यार चले कपड़ा भी ठीक है पैसे कमाने ना कपड़े में भी ठीक लेकिन वो यार नहीं भाई आ, मैं चला गया बटखेला वो पाँच छः को उसके नाम खोदे फिर पंद्रह बीस दिन बाद में वापस आए और उसके साथ मैं चला गया फैसलाबाद फैसलाबाद में है, एक हफ्ता गुजारा वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है हम घूमे वहाँ पे कपड़े दे के मज़ा नहीं आ रहा था यार वो जो अंदर से एक आग सी थी ना वो यार कपड़ा पाँच सौ मीटर इधर हो गया कंटेनर उधर मैंने कहा यार ये चीज़ें वो मुझे मज़ा नहीं आ रहे तो वो कह रहा है कि अब मैंने कहा यार मुझे रेस्टोरेंट करना है तो उसने कहा नहीं यार रेस्टोरेंट का, का काम बहुत रिस्की है इसमें अगर जितनी इन्वेस्टमेंट आप कर लेना तो फिर ये कोई लेता भी नहीं अगर नहीं चल पड़ा मैंने कहा यार अगर करना है तो मैंने रेस्टोरेंट करना है अदरवाइज़ कपड़े का मुझे मज़ा नहीं आ रहा उसको मैंने कन्विंस किया अब जी बात आ गई इन्वेस्टमेंट पे लिहाजा तो दोस्त का था उसने कहा मैं कराया आपसे नहीं लूँगा साथ में बिजनेस कर रहा था मेरे इन्वेस्टमेंट जब हमने हिसाब लगाई तो तकरीबन छः साठ सत्तर लाख तक इन्वेस्टमेंट आ रही थी उस पर तो उसने कहा चलो इस तरह करते हाफ आप कर लो हाफ मैं कर लेता हूँ किराया मैं नहीं लूँगा और साथ में बिज़नेस शुरू करते हैं तो मैंने कहा सर ये तो तीस पैंतीस लाख रुपए बन रहे हैं मेरे पास तो एक लाख रुपए भी अभी नहीं है बारह लाख की गाड़ी अगर वो भी मैं बेच दूँ फिर भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो उस दोस्त की एक मेहरबानी मुझे अभी याद है उसने कहा कि चलो पूरा इन्वेस्टमेंट मैं कर लेता हूँ आप अपना नाम लगाए ठीक है अगर आपने पैसे कमाए मुझे रिटर्न कर लेना अगर नहीं कमाए तो मुझे ना देना अच्छा जी वो जब मैं गांव गया दोस्तों को ये बात कही फैमिली को कि कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि यार कैसे इस इस्लामाबाद में एक प्लाजा आपको बंदा दे रहा है ना आपसे एडवांस ले रहा है ना आपसे किराया ले रहा है और वो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी मैं कर लूँगा अगर आपने कमा लिए तो दे देना अगर नहीं कमा लिए तो बोर्ड नीचे करके चले जाओ वापस ये फिर वो रब के ख़जानों के बारे में कुदरत के खजानों के बारे में बात कर रहा था ना जो चीज़ें हमने अल्लाह ताला के ख़जाने में रखे थे अब कुदरत की बारी थी वो जब बारिश करता है ना तो फिर इस तरह करता है अच्छा मैं खुद भी बिलीव नहीं कर रहा तो दोस्तों ने कहा कि यार इस बंदे के साथ वो पेपर पे लिख दो कि ये बंदा भाग ना जाए अच्छा मैं जब आया तो वो बंदा खुद कहने लगा कह रहा यार ये चीज़ इस तरह है ना हम एक पेपर पे लिख देते हैं ताकि बाद में ये इशू ना हो सुन्नत तरीके मैंने कहा जी अच्छा जी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ये मेरा प्लाजा है मैं रेंट नहीं लूँगा इतना इन्वेस्टमेंट है अगर ताहिर ने कमा लिए तो मुझे ये रिटर्न करेगा अगर नहीं कमाए तो मैं ताहिर से एक रुपया नहीं लूँगा अच्छा जब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि हो क्या रहा है चार पाँच महीने मैंने मेहनत की उस जगह को बेल्ट किया उस बंदे से पैसे लेता रहा नाम वहाँ पे लगाया चार पाँच महीनों के बाद लोगों को क्या पता है कि एक साल पहले तायर वो गिलकार से पूछा कि यार इसकी वो प्राइस कम कर ले ये मार्बल कहाँ से आ रहा है यार ये ठीक करा दे ये भाई बंदों को तलाश करना जब जगह बन गई नहीं भाई टीकी यार का जो स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जगह बन गई सब कुछ हो गया अब जी बंदे कहाँ से तलाश करें बंदे बड़ी मुश्किल से मैं देखे कि जिस तरह आपने कहा मेरा कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं और रेस्टोरेंट बहुत ही टफ़ जॉब है ये इज़ी नहीं है और मैंने काम करना था कि भई वो काम मैं करूँ कि कोई और ये काम ना कर सके अच्छा जी कोविड का इशू था अब हम रेस्टोरेंट स्टार्ट भी कब कर रहे हैं कि कोविड पीक पे है डिलीवरीज़ है और रेस्ट्रिक्शन है बहुत ज़्यादा और मैंने स्टार्ट कोविड के बीच करना है अच्छा कोई किसी को आप कहो कि यार आपने कोविड की जो पीक है आपने रेस्टोरेंट बिजनेस को ना कह रहे पागल है वो जगह आप आपने देखी है टीके की जितनी में 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 मैंने जितने भी इस्लामाबाद में पेंडी में दोस्त हैं मैंने सबको इनवाइट किया मैंने कहा यार काम शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा सजेशन दो कि जगह कैसी है क्योंकि मैं इस्लामाबाद में नहीं रहा हूँ अच्छा जी जितने भी आए ना कह रहा है गलती कर रहा है यार बहुत गलती कर। अच्छा मेरा एक दोस्त है मुझे भी याद है वो ज़मीन पर बैठ गया यो सर यूँ पकड़ ली मैंने कहा क्या हुआ तो यार बहुत बड़ी गलती कर रहा है मैंने कहा क्यों नहीं यार ये जगह तो बहुत बैकवर्ड है बहुत दूर है यहाँ पे तार भाई अपना नाम खराब कर रहे हो पाँच छः साल में अपने नाम कमाया है ये नाम आपका ख़राब होगा मैंने सबकी सुनी अच्छा मैं वो खिलाड़ी था कि हारने के लिए कोई चीज़ थी ही नहीं मैंने कहा अच्छा अगर नहीं चला तो क्या होगा यार नाम है तो नाम को हम नहीं उतार के चले ही जाएंगे वो कहते ना वो जो खिलाड़ी के पास हारने के लिए कुछ नहीं होता तो वो फिर सब कुछ करता है मैंने लोगों की बातें सुनी मुझे ये पता भी था कि जगह ठीक नहीं है बैकवर्ड है और एक मेरा दोस्त दोस्ता सलमान वो खैबर न्यूज़ में सीनियर एडिटर उसने कहा था यार बसमल्ला कर लो यार आपने नाम कमाया है लोग आएंगे आपके नाम के पीछे एक वो बंदा था जिसने मुझे मोटिवेट किया अच्छा जी रेस्टोरेंट बन गया बंदा बंदे नहीं थे भाई ने नफल पढ़ा किया अल्लाह अच्छे से बंदे हमें चाहिए और भाई घूमने लगे इस्लामाबाद सैदपुर चला गया इधर थोड़े से रेस्टोरेंट्स थे दो दिन पहले बहुत ही चरसी मेरे ख्याल में एक रेस्टोरेंट था वो बंद हो गया था और उसके पंद्रह बंदे जॉबलेस थे और वो बंदे जो थे टॉप क्लास करी करते अच्छा वो बैग वगैरह पैक कर रहे थे वापस जा रहे थे पिछा और भाई से मिले तो उसने कहा मैं तार खान का भाई हूँ और तार खान का रेस्टोरेंट कह रहा है हाँ हमने सोशल मीडिया पे सुना है कि किर भाई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं कह हमें बंदे चाहिए उसने कहा आजी साहब आप अच्छी जगह पे आए पंद्रह बंदे बेरोजगार बैठे हुए हो <laughs> और वहां से भाई ने कॉल की कह रहे खुशखबरी है मैंने कहा जी क्या कह रहे पंद्रह बंदे मिल गए हमें पंद्रह बंदे और सारे के सारे एक्सपर्ट अपने काम में एक्सपीरियंस है लोगों का मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है बंदे लेके आए भाई जब वो किचन में गए ना और किचन में जिस तरह वो काम कर रहे थे जिस तरह खिलाड़ी पिच पे नहीं खड़ा होता भाई ने कहा ये देखे बंदे काम के अच्छा जी बंदे आ गए अब हमने ओपनिंग करनी थी वो बहुत ही बड़ा दिन था मेरे ज़िंदगी का और इट वाज एक साल पहले यही महीना था दिसंबर का फाइव दिसंबर टू अच्छा जी मैंने आ, नफल पड़ी रोया भी बहुत खुद मैं एक काम शुरू कर रहा हूँ मेरे हेल्प करे परवरदिगार अच्छा जी जब मैं नीचे गया तो जो हमारे शेफ़ साहब थे उसने ऑर्डर दिया था यार छः सात दुम्बे और वो बाहर लटकाए उसने मैं जब काउंटर पे आया मैं मैंने उसको बुलाया भाई इधर आओ पहला दिन है हमारा क्या कर रहे हो पाँच छः दुम्बे आप लेके आओ कह रहे लाला ये जगह तो बड़ी जगह है अगर पाँच छः दुम्बे ना हो तो ये तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मैंने कहा यार कोई एक भी ले तो बड़ी बात है ये तो जगह साइड पे है इतना अभी कुछ है ही नहीं उसने कहा नहीं लाला बस इसको खाली नहीं रख सकते अच्छा जी अभी नीम भाई काउंटर पे बैठा हूँ अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ दोपहर का टाइम हुआ दो तीन लोग आए चावल चावल खाए किसी ने गोश्त नहीं खाए अब दिल मेरा नीचे जा रहा है कि यार क्या होगा ये तो इतने बकरे इस बंदे ने लटकाए इधर लेकिन बिलीव था अल्लाह पे अम्मी एक दुआ भी, भी करते बेटा तू मिट्टी को हाथ लगा अल्लाह तेरे लिए सोना बनाएगा ये अम्मी की दुआ है और अम्मी हर नमाज के बाद हर नमाज के बाद दो रकात नफल पड़ती मेरा बिलीव था सुबह यार अम्मी की दुआएं हैं मैंने किसी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह किसी का एक रुपया नहीं खाया आया अल्लाह के ख़ज़ानों में मैंने जमा किया तो अल्लाह तो मुझे देगा बिलीव था लेकिन थोड़ा सा डर भी था अच्छा जी जब शाम छः सात बजे हो, होने लगे ना नीम भाई लोग आने लगे और लोग ऐसे आए कि जो दुम्बे चा चेसा थे ना वो दो घंटे में छुप चले गए अच्छा छुप वो सारे लगे हुए कढ़ाई छड़ाई ये चीज़ें और कल के और बकरे मंगवाए अल्लाह का पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ और वो जब सेल हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह एक साल टीकेआर को कंप्लीट हो गया है सिर्फ एक दिन हमने लॉस्ट किया था रमज़ान के पहले दिन फिफ्टी थाउजेंड उसको मेरे फिर कवर अप भी किया था और आज के बाद टीकेआर का सफ़र नहीं बना उस दोस्त के जितने पैसे भी थे वो भी अलहमदिल्ला के हद हाँ तक हमने रिटर्न किए मैंने इतने कमाए हैं कि मेरे ज़िंदगी में इतने नहीं कमाए और ये मेरी कोई कमाल नहीं है ये मेरे रब का वो दैन है जहाँ पे हमने जमा किए थे कुदरत को अच्छा यहाँ पे मैं आपके एक बात शेयर करूँ जब मैंने रेस्टोरेंट ना और मैंने पहली वीडियो सोशल मीडिया पर डाली तो आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग यार के लोग खुश होंगे कि यार ये बंदे ने बहुत मेहनत की यहाँ तक आया है अच्छा जी जितनी भी मैं क्यों इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा कहे फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क क्यों नहीं पड़ता मैंने बहुत स्ट्रगल की थी यार इस जगह पे आने का और ये अल्लाह का एक दिन था जो अल्लाह ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी मैंने मेहनत की मैंने अवेल किया मैंने वीडियो डाली ना मैं कमेंट्स वगैरह रीड नहीं कर मेरे फैमिली से कॉल आई यार ये कमेंट्स देख लें नाइन्टी से ज़्यादा लोग गालियाँ दे रहे हैं तो जब मैं गया अच्छा नीचे क्या देख रहा हूँ हाँ ये तो ज़क़ात के पैसों से आपने रेस्टोरेंट खोला ये तो गरीबों का हक मारा है ये तो प्लावबंदी के पैसों से अच्छा जी वो देखता गया बर्दाश्त करता गया वो देखता गया, गया बर्दाश्त करता गया मेरे पास ऑप्शन भी था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊं कि भाई ये पैसे मेरे नहीं है एक तो एक बंदे के पैसे है एक बिजनेस डील है मैंने नहीं किया अभी तक नहीं किया और ना करूंगा वजह यह है कि क्यों करूं लोगों के लिए मैंने जिंदगी गुजारनी है ताकि लोगों को मैं सेटिसफाइड कर सकूं कि, कि हाँ यार ये पैसे कहाँ से आए थे लोगों को एक्सप्लेनेशन देना शुरू करूं मैं अगर एक्सप्लेनेशन करूंगा पाँच मिनट मेरे पाँच मिनट ज़ाया हो रहे है यार मैं पाँच मिनट नईम भाई के साथ बैठ के कोई पॉजिटिव बात क्यों ना करूँ एक्सप्लेनेशन में बंद को क्यों दो जो रब ने मुझे दिया है रब के साथ आप सही हो बंदों को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है तो वो इतना हेट मिला इतना हेट लेकिन वो मुझे पता चला कि यार उस पर मैंने रिसर्च किया कि यार ये लोग क्यों इस तरफ जा रहे हैं हसद एक बहुत बड़ी बीमारी है अब नईम भाई आप यहाँ पे बैठे मैं यहाँ पे बैठा अब मैं हसद करने लूँ यार नीम भाई ने बहुत अच्छी स्टूडियो बनाई काश मेरे साथ होता और अंदर में मैं जल रहा हूँ मैं आपका क्या कर सकूँगा यार आपके लिए अच्छे मेहमान आएंगे आप डेली और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और तरक्की करोगे मैं अंदर से ख़ुद जलता रहूँगा तड़पता रहूँगा आपकी ज़िंदगी में कोई इम्फेक्ट होगा कुछ नहीं होगा मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा तो फिर जब मैंने लोगों को देखा ना कि यार इन लोगों की गलती क्यों नहीं है क्योंकि ये लोग आगे बढ़ते नहीं अच्छा एक कमेंट मैंने देखा मुझे बहुत हंसी आई करे यार हम तो सऊदीया में बीस साल गुजर गए और बीस साल में तो हमारे घर का खर्चा कंप्लीट नहीं होता ये बंदा देखे जी इस्लामाबाद में प्लाजा भी ख़रीद लिया नई गाड़ी भी ख़रीद ली एक बंगला भी ख़रीद लिया तो ये तो हराम के पैसे हलाल के पैसे तो इस तरह नहीं होता अगर होते तो मैं बीस साल में करता अब उस बाई को मैं किस तरह समझाऊँ कि भाई एक तड़प होनी चाहिए चीज़ों को हासिल करने के लिए एक मिशन आप अगर वहाँ पे बैठे हो तो आपने वो कंफर्ट जोन अपना बनाया हुआ है कि मैंने यहाँ पे आके इतनी सैलरी पे इतना ख़र्चे पे इतना गुजारा करना है मैं लिख के देता हूँ नीम भाई जो बंदा जो सोचता है ना वो कर सकता है उसके लिए ईमान मजबूत होना चाहिए उसके लिए सोच बड़ी होनी चाहिए उसके लिए वो जो घोड़े के इधर नहीं होता अंकों वाला आपको आगे देखना चाहिए मेरे भाई मेरे बहुत सारे काबिल दोस्त है मैंने कहा यार आप ये काम क्यों नहीं कर यार लोग क्या कहेंगे ओ भाई लोगों को अब जब साठ सत्तर साल के होंगे तो फिर यही पछतावा होगा कि यार अगर वो काम कर रहा तो लोग जो कहना था वो कह चुके होते आप जिंदगी में अलग मोड़ पे होते मैं अगर लोगों की बातों से रेस्टोरेंट ना खोलता कि लोग क्या कहेंगे कि भाई जकवात के पैसों से खोले सोच नहीं दो यार लोगों लोगों ने मेरे खबर पे जाके सुना है मैंने लोगों को एक्सप्लेन करना है मेरा अपने रब के साथ अपना रिश्ता है और वो रब जब नवाजता है ना मैंने आपको कि जब रात को मैं सोता हूँ ना नहीं भाई डेली हमारी क्लोजिंग होती है खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं हो रहा मुझे जब मैसेज आता है कि ना कि यार इतनी हमारी प्रॉफिट है तो इतनी प्रॉफिट मेरे तीन चार साल में नहीं होती जो मुझे एक रात में होती है तो ये किसकी देन है नहीं भाई ये अल्लाह की देन है यार लेकिन अगर मेरे जैसा मेरे कहा कितने तक पढ़े हो ना मैं एफ से भाग चुका था मैंने कहा यार मैंने नहीं करना एक पेपर आया फिर मैं मैं गया नहीं मैंने एक गोल सेट किया कि यार मैंने जिंदगी में कुछ करना है मैं अगर सोशल मीडिया पे आया तो एक बचपन आता कि हाँ यार मैंने सेलिब्रिटी बननी है चार पाँच महीने जब गुजर गए लोगों ने पहचानना शुरू किया मैंने कहा यार सो so वाट लोगों ने पहचाना तो क्या आप अगर अच्छे इंसान नहीं बन सकते ना आप हज़ार गुना बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओ आप कोई चीज़ हो ही नहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं था पाँच महीने बाद मुझे पता चला कि आप बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी बन जाओ ना कुछ नहीं हो सकता जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते फिर मैंने खुद पे काम शुरू किया मैंने लोगों की बहुत तलख बातें सुनी यार लोगों ने मुझे पर्सनल अटैक किया है मैं रुका नहीं हूँ टीके आर अक्सर मेरे हेटर्स भी आते हैं वो वीडियोस भी बना देते कि जगह सर्विस टिक नहीं है जगह टीक नहीं मेरे मैनेजर अक्सर परेशान हो जाते कि सर दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू तो हैंडल मैंने कहा ब्रदर टेंशन नहीं लो इन लोगों का काम यही है हमारा काम बहुत आगे तक सोचना है मैंने अगर टीके खोला है ना तो मैंने आगे बढ़ना है यार मैं यहाँ तक नहीं किया सिर्फ इस्लाम आबाद मेरा एक ब्रांच है अब मेरी सोच बहुत अलग है बहुत बढ़कर है मैंने पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को टेस्ट कराना है कि वट इज़ बेसिक शिनवारी फूड अगर के वाले अंकल आते हैं और हमें आपको खिलाते हैं कि भाई ये हमारा वो ट्रेडिशनल के है चिकन है तो भाई हमें क्या हुआ है अगर के अंकल के पास इधर दिमाग है तो हमारे पास भी अल्लाह नहीं दिया यार और हमारे पास तो ईमान की ताकत भी है उनके पास ईमान की दौलत नहीं हमारे पास ईमान की दौलत भी है तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते मेरा एक ड्रीम है अब ये कि बिज़नेस को आप अलग पे कर ले हाँ अगर मैं कमा रहा हूँ तो अल्लाह का शुक्र लेकिन एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ ज्यादातर दोस्त पूछते हैं ना कि यार कामयाबी का रास क्या है मैंने जब भी कोई काम किया ना ये अल्लाह रिया में ना लाए मैं अल्लाह से इस्तफार करता हूँ अल्लाह ये अल्ला रिया में ना लाए और ना कोई बंदा ये कहे कि मैं कोई अपनी बड़ाई कर रहा हूँ लेकिन मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ अपने यूथ को जो भी काम आप रशका चलाते हो ना आप तीन सौ रुपए कमाते हो दस रुपए निकाला करें डेली इनकम में से दस रुपए निकाला करें अल्लाह के राह में दे उस बंदे के दो जिनको उस दस रुपए की जरूरत हो आप देख ला खुदा की कसम उस रशके से आप जहाज में ना बैठे ना तो मेरा नाम चेंज कर लेना एक फोटोग्राफ़र बंदा था सऊदियों की तस्वीर लेता था तेरह रियाल पे काम करता था लाखों रुपए कमा रहा हूँ करोड़ों कमा रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है वजह सिर्फ यह है नीम भाई कि जब भी मैंने काम शुरू किया ना मैंने अल्लाह को दार बनाया और अल्लाह मफ़रत परमाई जुनेद जमशेद साहब की यह फार्मूला मैंने उससे सीखा है टी के आर के शुरू होने से पहले पहले दिन कमाई करने से पहले एक परसेंटेज मैंने रखा मेरे दोस्त ने कहा कि इस पर सोचो आपकी कमाई ज़्यादा होगी तो ये परसेंटेज पैसे बहुत ज़्यादा बनेंगे मैंने कहा वो तो मेरा ईमान पर ख़राब होगा कि मैं इससे पीछे हट जाऊँ वो जितना ला दे रहा है उतना मैं लगा रहा हूँ उससे बढ़कर दे रहा है वो खुदा ने ख़ुद का एक कुरान में यार अब मेरे रस्से में एक दो मैं साथ दूंगा वो सात सौ बन जाते हैं किस तरह बनते हैं वो मैं उसका एग्जाम्पल हूँ नहीं भाई तो ये अच्छा मज़े की बात है हम जब लास्ट वीक आपके रेस्टोरेंट में आए ना तो हम खाना खा रहे थे ये इमरान भी हमारे साथ थे तो अब ये था जहरी बात है क्योंकि मुझे रियलाइज़ बाद में हुआ ना क्योंकि हमारे साथ रेहान वाला भी थे अब्दुल वली भी थे जो कि अपने इंडस्ट्री के एक लीडर हैं वी वॉगिंग ट्रैवल वी लॉगिंग में तो हमने खाना खाया हमने आपसे मिलना चाहा तो आप जो थे बिज़ी थे और आपको पता है कि लोग तो आपके पास आते हैं सेल्फियाँ लेते हैं और दड़ा दड़ आते हैं फिर आपका टाइम भी लेते हैं आपसे बात भी करना चाहते हैं लेकिन समाओ हमें लगा कि यार आप हमसे नहीं मिलना चाहते तो हमने दिल में कहा बल्कि इमरान ने कहा यार जाने दो यार ये ताहिर अपने आप को क्या समझता है मतलब इससे मिलना ही नहीं है जाने दो दफा करो बस चलो निकलते हैं ना तो मैंने कहा यार सबर करो सही है यार मैं भी सोच में पड़ गया यार ये बंदा तो थोड़ा अकड़ वाला है ताहिर ख़ान सही है इसका एक ब्रांड है इसका एक रेस्टोरेंट है लेकिन यार ये तो बड़ा एरोकेंट बंदा है ये तो मतलब कि रेहान अल्लाह वाला भी साथ में अब्दुल वली इन्होंने तो कभी मतलब इतने नखरे नहीं किए मतलब इनसे भी फ़ैन मिलते हैं लेकिन आई वॉज़ कम्प्लीटली रॉन्ग वो जब हम आपसे मिलने और जब हमने रियलाइज़ किया कि यार आपसे डेली कितने लोग मिलने आते होंगे कितने लोग आपसे इस के साथ बैठना चाहते हैं सेल्फी लेना चाहते हैं तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार यू नो द वैल्यू ऑफ टाइम सही है देखें ये बुरी बात नहीं है कि आपके साथ आपके फैन फोटो खींच रहे हैं उनके लिए खुशी है लेकिन आप देखें कि दिन में दस मरतबा बीस मरतबा में लोग आ रहे हैं आ रहे हैं आपका वैल्यूएबल टाइम जो कि आप रीडिंग में लगा सकते हो कुछ सीखने में लगा सकते हो सेल्फियों में गुजर रहा है तो बंदा भी थंग आ जाता है एंड आप कोई कल मशहूर नहीं हुए कि आपके लिए कोई नई चीज़ है बिकॉज लोग आपके साथ जो है एक अरसे से आपकी फ़ैन फॉलोइंग में हैं आपको देख कर आपके रेस्टोरेंट आते हैं और चाहते हैं कि यार इतने दूर हम आएँ तो तहार भाई के साथ तो एक फोटो हो जाए वो अपनी जगह पे सही है बट आपका टाइम भी वैल्यूएबल है वो हमने देखा जब आप आप आपके साथ हमारा एक घंटा डिस्कशन हुई जो कि इंटेलेक्चुअल बातें हमने डिस्कस की जो कि हमने आपसे उस कन्वर्सेशन में काफ़ी कुछ सीखा जो कि ऑन द रिकॉर्ड नहीं है जो कि कैमरे पर नहीं है इट वॉज़ लाइक जस्ट फ्रेंड्स सिटिंग और बातें हो रही हैं बिजनेस के हवाले से फ़िलासफी के हवाले से बाचा खान के काम के हवाले से तो इट वॉज़ वेरी इन डेप लेकिन जब आप हमारे साथ नीचे उतरे और हमने फोटोज़ ली और वो जो एक रश बन गया वो जो लोग दड़ा डर आ रहे हैं अंदर से खाना खा के बाहर से आ रहे हैं आपके साथ फ़ोटो ले लिए ले रहे हैं तो ऐट दैट टाइम आई रियलाइज के यार ये बंदा तो रियली डाउन टू अर्थ बंदा है और इसमें वो जो मैं इसके बारे में सोच रहा था एक अकड़ है कि हमसे नहीं मिल रहा हम आए हुए हैं इतनी दूर से आई रियलाइज आई वॉज रॉन्ग आई वॉज रॉन्ग बिकॉज इस बंदे को पता है कि अपना टाइम किस तरह यूटिलाइज करना है किस तरह इसने बैलेंस रखना है फैंस को भी टाइम देना उनके साथ सेल्फी भी लेनी है एंड एट द सेम टाइम इसने अपने आप को ग्रो भी करना है और अपने इस बिजनेस को ग्रो करना है बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द स्टेक हीयर अगर मैं सारे मेरे दोस्त आ रहे हैं तस्वीरें ही ले रहे हैं और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं आया आयाँगा और मैं मुफ्त में खाना खाऊंगा और ताहिर भाई मुझसे खाना नहीं लें लेंगे अगले दिन तो वो बैंक करप्ट हो जाएगा वो बिज़नेस सो दैट्स नॉट सस्टेनेबल सो मैं रॉन्ग था लेकिन मैं यहाँ पर ये स्टोरी बताना ज़रूरी समझता था बिकॉज मेरी तरह बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार अगर ताहिर हमसे नहीं ना तो ही इज़ नॉट वर्थ इट वो एक बस अक्ड़ वाला बंदा है विच इज़ नॉट द केस सर आएंगे थोड़ी सी डिस्कशन माशाल्लाह आपका एक ब्रांड बन गया है आपका एक रेस्टोरेंट है आपका विजन क्या है कहाँ को कहाँ देखते हैं आप टी के आर को ताहिर ख़ान रेस्टोरेंट को हम समझ लें कि बस ये एक ही बस एक रेस्टोरेंट है लॉन्ग टर्म में आपका विजन क्या है क्योंकि आपने के एफ सी के बाबे की मिसाल दी कि वो साठ साल की उम्र में उसने ये एक, एक फूड ब्रांड स्टार्ट किया और आज दुनिया में देखें कि कौन से मुल्क में वो नहीं है तो व्हाट्स योर विजन फॉर योर शिनवारी काइंड ऑफ फूड रेस्टोरेंट टी के आर वेयर वेरी गुड क्वेश्चन नहीम भाई विजन एक है जिस uh, बिज़नेस के बारे में बात कर रहा हूँ कि अल्लाह सुबहानो ताला के साथ जो एक लिंक है ना उसको मैं मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ और वो किस तरह स्ट्रॉग होगा मैंने जो सोशल एक्टिविटीज़ की थी मैंने लोगों से पैसे लेके लोगों की हेल्प की थी और अल्लाह गवाह है मेरा ड्रीम था कि यार मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो जाऊँ ना कि मैं किसी से पैसे नहीं मांगू अल्हमदिल्ला जब जब से मेरा बिज़नेस चल पड़ा है मैंने कभी किसी को डोनेशन के लिए फोर्स नहीं किया मेरे पास है अल्हमदिल्ला इतने हैं जो कैसेज आते हो मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो अगर मेरा एक बिज़नेस माशा अच्छा जा रहा है और मैं वो जो परवरदिगार के साथ मेरा एक सिस्टम चल रहा है बिज़नेस वो सही जा रहा है तो मेरा ड्रीम ये है कि मैं इस बिज़नेस को और एक्सपेंड करूँ मैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ और जितना मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होता जाऊँगा ना उतना मेरा जो मिशन है जो काम है लोगों के लिए वो स्ट्रांग होता जाएगा मेरे साथ मैंने स्टार्ट किया था बारह बंदों से बारह से लेकर पंद्रह से अब मेरे रेस्टोरेंट पे एक सौ तीस बंदे काम कर रहे हैं वन हंड्रेड थर्टीज एक वेटर का पोस्ट मैंने एक हफ्ते के लिए लगाया था नीम बाई कसम से पाँच सौ लोगों ने अप्लाई की थी अगर आपको मैं अप्लिकेशन दिखाऊँ ना मास्टर डिग्रियाँ लोगों के साथ है यार जो मेरा दिल टूट चुका अंदर से कि यार मैं एक एफ ए से भगोड़ा बंदा मैं वेटर का पोस्ट करता हूँ और ग्रेजुएटेड लोग मास्टर डिग्रियाँ हैं और वेटर बारह से लेकर पंद्रह हज़ार तक सैलरी के लिए वो लोग अप्लाई कर रहे तो आप हालात देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं तो मेरे दिल में एक है कि एक तो वो अपना सोशल वर्क मेरे के साथ और स्ट्रांग होगा ज़्यादातर अभी लोग ये भी गिला करते हैं ना कि यार हाँ बिजनेस चल पड़ा तो वो गरीबों का हाल नहीं पूछते मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करता कि मेरे पास वसाइल नहीं थे मेरे पास है और मैं नहीं दिखाना चाहता आप लोग कि मैं क्या कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं अपने पैसों से कर रहा हूँ इसलिए नहीं जब डोनेशन आती थी हम लोगों को बताते थे कि यार इन लोग का केयर करें जितना मुझे अल्लाह ने दिया है और देगा उतना मैं काम करूँगा दूसरी बात यार जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है एक वेटर के लिए अगर मास्टर डिग्री होल्डर आपको अप्लाई करना तो बहसीत ही कौम यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है यार कि हम किस तरफ जा रहे हैं तो मैंने टीके आर को आगे इसलिए लेके जाना है मेरा एक ड्रीम है जब मैं काम करता हूँ तो मैंने उसको पीक पे लेके जाना होता है एक तो यार हमारे जो रिपोटेशन बनी है दुनिया में कि ये कॉम किसी काम के है नहीं हमने दुनिया को दिखाना है यार जिस तरह मैंने के वाले बाबा की बात की ना तो क्या हम क्यों नहीं जा सकते के वाले अगर हमारे मोटरवे तक आ गए हमारे मॉल तक आ गए हमारे बाजार घरों तक आ गए तो टीके क्यों नहीं जा सकता अच्छा जी बीस साल लगेंगे मुझे तीस साल लगेंगे लगने दे यार कोशिश तो मैं कर सकता हूँ ना कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है मैं कोशिश भी ना करूँ मैं ड्रीम भी ना देखूँ मैं सोचूँ भी ना ये तो मेरी नाकामी है कैसे जाना है कब जाना है ये पता नहीं लेकिन जाऊँगा जरूर कोशिश करूँगा अल्लाह को साथ लेके इनशाला अपना ईमान और पुख्ता करके मैंने पहले पाकिस्तान में इसको एक्सपेंड करना है इनशा जितने जॉब्स क्रिएट कर सकूँ उतना मैं कोशिश करूँगा कि क्रिएट कर सकूँ उसके बाद इन श्ला इन चीज़ों से बड़े बड़े जो ब्रांड हैं उनसे सीखूंगा मैं स्टूडेंट हूँ लोग अक्सर कहते हैं ना कामयाबी क्या है मेरे नज़र में कामयाबी कोई चीज़ है ही नहीं अक्सर कहते हैं ना किपला बंदा कामयाब है और इंस्टा पे मैं क्यों नहीं कर रहा था कह रहे वट इज़ सक्सेस मेरे पास ये ही नहीं है कामयाबी कोई सीट तो नहीं है ना कोई टारगेट आप जाके वहाँ पर पहुँच जाओ हाथ जी मैं भाई कामयाबी के पास आ गया मैं कामयाब हो गया कामयाबी स्ट्रगल है दिन रात स्ट्रगल का नाम मेरे ख्याल में कामयाबी है जब तक आप स्ट्रगल करते रहेंगे ना आप रिश्ता भी चलाए लेकिन स्ट्रगल के साथ एक पेशन के साथ आप कामयाब हो लेकिन जब आपकी वो स्ट्रगल रुक जाती है ना और आप कहते कि नहीं मैं कामयाब हूँ वो कामयाब वो, वो दुनिया की सबसे बड़ी नाकामी है तो मेरा कोशिश यही है कि इन पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगे देखे जी आ, ना आपने भागना है ना रुकना है आहिस्ता आहिस्ता जाए कोशिश करें यार कोशिश तो कर सकते हो ना तो मेरा यही ड्रीम है कि इन पाकिस्तान में हर सिटी में टी का एक ब्रांड हो वहाँ पर लोग आए खाना खाए और फिर इसी टी के आर को हम पूरी दुनिया में पैलाए और पाकिस्तान का एक नाम बने कि हाँ यार और फिर हम जैसे पसमानदेही इलाक़े से जो ताल्लुक़ रखते हैं पुख्तून तो उनका एक ब्रांड बन जाए हम कहते हैं ना हमारी पाँच हज़ार की तारीख़ है बताएं आप यार क्या तारीख है हमारी बड़े अच्छे अच्छे लोग बाचा खान बाबा जिस तरह खुशाल ख़ान हटक जैसे लोग आए हमने उनके साथ क्या किया है तो यार वो चीज़ मैंने चेंज करानी है थ्रू माई बिजनेस दुनिया को दिखा दे कि यार हम में भी कोई एबिलिटी है हम कर सकते हैं ये चीजें न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पे आप जाओ वहां आपको टीके आर मिले तो पता चले कि यार ये वो पुख्तून बच्चा था मलाखंड का ये यहां तक है तो वो मेरी कौम का नाम होगा मेरा कौम का नाम आएगा तो मेरे मुल्क का नाम आएगा तो ये मेरा एक ड्रीम है कैसे जाऊँगा कब पहुंचूंगा पता नहीं लेकिन जाऊँगा जरूर रुकूंगा नहीं यार हर्डर्स आएंगे मुश्किल आएंगे सीखूंगा बढ़ूंगा रुकूंगा नहीं इनशा ताहिर भाई इट वॉज़ लाइक एन अमेजिंग डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन विद यू आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस थिंग बिकॉज आई कैन टॉक टू यू फॉर आवर्स इन आवर बट जिस तरह आपने बात की कि आपने एक वेटर की जॉब दी वो मास्टर और ग्रेजुएट लोग आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है बिकॉज़ आप खुद कॉलेज ड्रॉप आउट हैं आप अगर सक्सेसफुल हो सकते हैं तो ये जो मास्टर्स इतने तालेमी याफ्ता लोग जिन्होंने 16 सोलह सोलह साल और 18-18 साल पढ़ाई करके अपने सलेबस को चाट लिया है लेकिन फिर भी ये इनको नौकरियां नहीं मिल रही ना ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है नहीं भाई माइंड चेंज करना पड़ेगा हम डिग्रियाँ इसलिए ले रहे हैं ना कि हाँ यार हमारे पेरेंट्स ने कहा है कि डिग्रियाँ लें सोसाइटी में एक नाम बने कि पलाने डिग्री की किए पलाने मास्टर की है यार अगर मैं अब ये कहूँ तो गलत होगा कि आप ना जाए ना करें करें यार एक ड्रीम लेके जाए जॉब में क्या कर लोगे यार मैं मैंने जॉब किया है एज ए जी एम में रहा हूँ मैंने पग दो हज़ार बारह तेरह चौदह में लाखों रुपए कमाए कि आज तक तो कोई भी नहीं कमा सकता इस तरह तो बिज़नेस में मिडिल क्लास फैमिली के बंदे से इतनी सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिली यार अपनी एक दुनिया क्रिएट कर छोटी सी लोग कहते हैं ना रेस्टोरेंट के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए ज़्यादातर लोग आ जाते मैंने कहा सर थ्री थाउजेंड तो वो हंस लेते कह रहे यार थ्री थाउजेंड से हम किस तरह काम शुरू करें मैंने कहा सर वो घर में पतीला होगा अम्मी को बोल दी बिरयानी बना ले आप ये शर्म को अपने स्टेटस को साइड पर रखे बाहर लेके जाए रोड पर बैठे और इसी ईमान और इसी विजन के साथ किस मैंने अल्लाह मुझे इसमें अपने रिजक देना है आप देखिए तीन घंटे में आपकी बिरयानी फ़रोख हो जाएगी वहाँ से आपको दो हज़ार रुपये बचत मिलेंगे हम कर सकते हैं हमें शर्म आती है भाई पतीला बिरयानी हम बाहर जाके बेचेंगे लोग क्या कहेंगे पड़ोसी क्या कहेगा मेरा कज़न क्या कहेगा मेरा दोस्त क्या कहेगा ये दोस्त कज़न पड़ोसी ये बातें अगर आपके जहन में आती है ना आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते यार ड्रीम के पीछे भागो मैंने अगर करियर का स्टार्ट दिया मैंने वाशरूम भी साफ़ किए हैं मैंने ये कभी नहीं सोचा कि यार लोग क्या सोचें सोचने दो यार उनका काम है सोचना लोगों का लोगों का काम है बातें करना अब आप उन लोगों के पास जाके बैठ जाओ आप भी उन लोग की तरह हो जाओगे और ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है कि आप लोगों की वजह से अपना करियर बिल्ड नहीं कर सकते तीन हजार से आप स्टार्ट कर लो दो हजार आप सेविंग करो एक हज़ार खर्चा एक हज़ार सेविंग करते रहो एक साल स्ट्रगल करो यार फिर से एक दुकान लो, मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा सेवर फूड कितना बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का वो अंकल ने स्टार्ट किया था इस तरह पतीले से तीन सौ कनाल पर उसका प्लांट है मैं गया हूँ वो मुझे लेके गए तीन सौ कनाल पर सुबह शाम वहाँ पे लोग काम करते हैं एंड वो अच्छा नहीं है कि मैं यहाँ पे बताऊँ कि उनकी इनकम कितनी है वो सोच से भी बाहर है बारह तेरह ब्रांचेज है उसके अंकल को ये शर्म नहीं आई थी कि यार ये मेरे अब भाई क्या कहेंगे मेरे दोस्त क्या कहेंगे वो बिज़नेस माशाल्लाह इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए कि उनके बगैर वो फूड इंडस्ट्री चल नहीं सकती तो ये हमारी गलती अब पढ़ाई करो मैं नहीं कहता कि आप पढ़ाई ना करो आप पढ़ाई करो लेकिन यार एक गोल सेट कर लो कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है आप मेडिकल कर रहे हो मेडिकल डिग्री आप लेते हो और फिर आप दूसरे फील्ड में चले जाते हो भाई आपने ज़िंदगी की वो जो सबसे वो जो सीखने की ईयर थे वो आपने ज़ाया किए आपने आपके पास डिग्री है मेडिकल की आप जाके भाई किसी जगह पे दूसरी जॉब कर रहे हो अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आप खुद को बिल्ड किया करो मैंने एफ एस स्टार्ट किया था ना मैं कॉलेज भी जा था मैं कंप्यूटर भी सीख रहा था उसी कंप्यूटर ने उसी सीख ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो यार लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पढ़ाई पे ध्यान देना है तो ये ना करो कि हाँ मैं एक डिग्री लूंगा तो पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे मेरा रिश्ता भी वो प्ला लड़की ने कहा कि यार डिग्री हो तो मैं रिश्ता करूंगी यार लड़कियां हजारों मिलेंगे पीछे आएंगे खुद को कुछ बना के तो दिखाओ ये फिर आपको नहीं चूज करना कहें हाँ मुझे वो लड़की पसंद है ये लोग आपको फिर पसंद करेंगे कुछ कर को करके दिखाओ ना तो हमारी सबसे बड़ी गलती नहीं भाई तो आई रियली वश के माइंड हम चेंज कर ले गोल सेट करें और उस पर जाए लोगों की बातें ना सुने सुबह शाम उसके पीछे पागल हो जब आप लोग आपको पागल कहने लगे ना कि ये बंदा पागल है समझ जाओ कि भाई मैं बिल्कुल ठीक बंदा हूँ और जब लोग आप कहते हैं हाँ बस यही चल रहा है समझ लो कि आप much, भाई गलत ट्रैक पे हो थैंक यू वेरी मच ताहिर बाई फॉर सच एन इंस्पायरेशनल एंड डीप कन्वर्सेशन थैंक यू वंस अगेन आपने टाइम निकाला आप हमारे स्टूडियो आए And thank you very much, audience, for listening to us. Make sure you share this story of the amazing Tahir Khan with your friends and family by clicking on the share button. And don't forget to subscribe to our YouTube channel for upcoming amazing episodes as well. Thank you once again.